हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमेशा हम लोग हर मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो प्रीवियस मंथ के वन लाइनर करंट अफेयर क्वेश्चन है जो कि कवर करते हैं। 70 to 80 क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग वन लाइनर के तौर पर कवर करते हैं। ये जो एक वीडियो होता है वो रिविजन वीडियो होता है, यानी कि समवेयर 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोग 70-80 क्वेश्चन है वो कवर करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि पिछले मंथ के इंपॉर्टेंट थे, कितने क्वेश्चन के आंसर आप विदाउट ऑप्शन दे सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में ये वाला सेशन नहीं करते हम लोग, क्योंकि डिटेल में अगर आपको हर चीज़ के बारे में पढ़ना है गाइज, तो आप लोगों के लिए सुबह 8 बजे वाला सेशन है जिसको आपको रेगुलर देखना होता है। वो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे। अगर आप ये रेगुलर देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इंडिया के किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर में कभी भी 90% से कम नंबर है जो कि लेके आओगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसको कंपलसरी बना लो, चाहे लाइव देखो चाहे बाद में देखो कोई बात नहीं, लेकिन इसको देखना जरूरी है। 40-45 मिनट निकाल लिया करो, अपनी स्पीड के बढ़ा लिया करो, मोबाइल की 2.0 करके देख लिया करो। 15-20 मिनट 25 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो नॉलेज मिलेगी वो बहुत ही जबरदस्त मिलेगी, समझ गए। ये वाला जो सेशन है इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाने लगूंगा तो ये सेशन 2 घंटे का बन जाएगा। ये सिर्फ एक रिविजन सेशन है, उसी की तरह मैं लेके आता हूँ हमेशा, हर मंथ पिछले 2-3 सालों से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, समझ गए मेरी बात। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है 30+ एग्जाम की, तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके अनअकैडमी प्लस ले सकते हैं, जहां पे रेफरल कोड आपको BHU10 या BHUNESH10 लगाइए, 10% ऑफ आपको किसी भी एग्जाम में मिल जाएगा, चाहे UPSC हो, चाहे बैंक, SSC, PCS, डिफेंस, कोई IIT हो, कोई गेट हो, इंडिया का कोई भी XYZ एग्जाम हो, सभी के लिए एलिजिबल है। मुझसे अगर आपको कंप्लीट GK पढ़नी है तो SSC वाली कैटेगरी में आप पढ़ सकते हैं, मात्र 450 रुपये पर मंथ में, 1 साल का लोगे तो 2 मंथ का आपको फ्री मिल जाएगा। मेरे अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की भी पूरी क्लासेस मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करें। आपको पहला सवाल का जवाब देना है, जो देश संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक को COVID-19 टीकों की लगभग 2 लाख खुराक देने के लिए तैयार है, कौन से देश ने 2 लाख डोजेस COVID-19 के गिफ्ट किए हैं UN पीस कीपर को। हमने दोस्तों दुनिया के 70-80 देशों को जो है वो वैक्सीनेशन दी, अभी हमको खुद को जरूरत पड़ गई है वो बात अलग है, लेकिन हमने बहुत देशों की मदद की थी जब हमारे पास बहुत सारी थी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, कौन से देश ने दिया है, हमने, इंडिया, हमने दोस्तों UN की पीस कीपर को 2 लाख वैक्सीन है जो कि दी थी। ठीक है, गिव एवर गिवन क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा, एवर गिवन जल्दी बताइए। इजिप्ट के वाले रास्ते पे स्विस कैनाल में अटक गया था, याद ना, क्या था, एक कार्गो शिप था जो कि टेढ़ा अटक गया था। अब ना तो कोई आ पा रहा है ना कोई जा पा रहा है, समझ गए, बहुत नुकसान हो गया था। विश्व बैंक के अनुसार कौन सा देश पूर्वी एशियाई और प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक वसूली का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, कौन सा देश है जो कि लीड करने को तैयार है इकोनॉमिक रिकवरी, दुनिया में कौन सा देश रिकवरी कर रहा है, आप ही को मालूम ही है ना, एक ही तो कंट्री है जिसने पूरे दुनिया को कोविड दिया और अभी जो है खुद पार्टी कर रहा है। यार ये सुन के और ज्यादा जो है दुख होता है, आपने सुना होगा ना, एक दोस्त जो है, आप फेल हो जाओ कोई बड़ी बात नहीं, आपका दोस्त पास हो जाए उसमें ज्यादा दुख होता है, उसी तरीके से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग पार्टी कर रहे हैं पूरी COVID-19 पूरी दुनिया को देकर, ये सब बहुत बुरा लगता है, कौन है भाई ये, और ऊपर से इकोनॉमिकल रिकवरी भी कर रहा है। एकमात्र देश जो कि दोस्तों लास्ट ईयर भी जो है किसमें रहा, लास्ट ईयर भी दोस्तों पॉजिटिव में रहा, वो चाइना ही है, और जिसके अंदर दोस्तों हमारे देश पे तो आपको मालूम ही है बहुत ही ज्यादा दोस्तों हालत खराब हो गई है, मतलब ठीक है, तो चाइना आपका सही जवाब है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको मिला है दोस्तों, जल्दी बताइए। हाँ भाई, PDF आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर बाय BHUNESH सर, एक 63,000 का टेलीग्राम ग्रुप होगा उसको ज्वाइन कर लेना, PDF वहां पे मिल जाएगा आपको, मैं कमेंट में भी दे दूंगा। ठीक है गाइस, आंसर क्या है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की बात करें तो आशा भोसले आपका सही जवाब है। भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है जिसे जियो सिंक्रोनस
ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा गया है। फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, ऑप्शन वाला वन लाइनर के अंदर ऑप्शन नहीं मिलते हैं। आपको कोशिश करनी होती है, दिमाग लगाओ। वन लाइनर में अगर आपने 50% भी सही कर दिए ना तो भी बड़ी बात है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। पेपर में ऑप्शन आ गया तो आप आसानी से कर दोगे, अगर आपने यहां पे 50% भी कर दिए तो। ठीक है, जी सेट वन आपका सही जवाब होगा। चलिए, किस सशस्त्र बल ने सेवानिवृत्त लड़ाकू कुत्तों को थेरेपी कुत्तों के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? रिटायर्ड कॉम्बैट डॉग्स को थेरेपी डॉग्स के तौर पे दोस्तों एम्प्लॉय किया गया, किसके द्वारा? आईटीबीपी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, सरकार का ई मार्केट पोर्टल किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? ई मार्केट पोर्टल ऊपर वाला छोड़ दो, आंसर बताइए क्या होगा। आंसर होगा आपका यहां पे 2016 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस भारतीय व्यक्ति को दिया गया है? भारत का सबसे बड़ा दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सिनेमा का, दादा साहब फाल्के, जिन्होंने जो है राजा हरिश्चंद्र दोस्तों मूवी है 1913 में सबसे पहली बार बनाई थी, और उस टाइम पे महिलाओं के लिए ऑडिशन जब उन्होंने किया था ना भाई, मूवी के लिए पुरुष और महिला दोनों चाहिए, तो महिला कोई मिली नहीं तो पुरुषों को ही महिला बनाया था मूवी के लिए। काफी सक्सेसफुल मूवी थी। और ये किसको मिला है? रजनी साहब को, रजनीकांत जी को। ठीक है, शातिर उग्रसेना 2021 भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? शांतिर के बारे में बताइए, कौन से दो देशों के बीच में यह अभ्यास है? एक तो है हमारा इंडिया, दूसरा कौन सा कंट्री है जल्दी बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया, बांग्लादेश आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालयों की एकेडमिक रैंकिंग 2020 में भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच में पहला स्थान प्राप्त किया है? बताइए, एकेडमिक रैंकिंग में वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में इंडियन यूनिवर्सिटी जो कि नंबर वन पर है, पूरी दुनिया में नहीं, इंडियन यूनिवर्सिटी में नंबर वन पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? यह अपनी कलकत्ता यूनिवर्सिटी है। ओके, बंगाल शुरुआत से ही दोस्तों आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, सिनेमा, म्यूजिक इसके लिए बहुत जाना जाता है। चलिए, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट दोस्तों रिसेंटली किसने जीता है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, होबर्ट के द्वारा दोस्तों ये जीता गया है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत शेफ है जो कि विकसित किया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एक एडवांस शेफ जो है वो डेवलप किया है टू सेफगार्ड नेवल शिप मिसाइल अटैक से बचाने के लिए? किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है DRDO के द्वारा, इसका डेवलपमेंट है जो कि किया गया है। कितने भारतीय बिलियनियर फोर्ब्स की रिच लिस्ट में शामिल है? आपको मालूम है ना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा USA के हैं, कोई 726 के आसपास, सेकंड पे चाइना के हैं, कोई 680 के आसपास है, चाइना और USA के बराबर के आसपास ही है। तीसरे नंबर पे दोस्तों इंडिया के बिलियनियर, सोचिए मतलब दो भारत, देखिए एक देश में दो भारत बसते हैं, एक इंडिया और एक भारत है। एक इंडिया है जहाँ पे पूरी दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा बिलियनियर रहते हैं, और एक हमारा भारत है जहाँ पे भुखमरी की हालत में दोस्तों रैंकिंग में आप देखिए देश के 20 से 30 करोड़ लोगों के पास में दो वक्त का खाना भी नहीं है। तो यहाँ पे दुनिया के तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं, और 140 बिलियनियर पूरी दुनिया में, 3500 के आसपास बिलियनियर्स हैं। ओके, जिसमें से 600 के आसपास तो पिछले साल ही एड ऑन हुए हैं, है ना, 400-500 लोग एड ऑन हुए हैं पिछले साल जो पहली बार इंक्लूड हुए हैं, 600 लोग हैं जो कि पहली बार आए हैं इस लिस्ट में। चलिए, और नंबर वन पे हमारे अंबानी है, दूसरे पे अडानी जी पहुंच चुके हैं, बहुत ही खतरनाक जंप मारी है। अब देखिए USA चाइना दोनों में बिलियनियर बहुत है, लेकिन यहाँ पे कोई भुखमरी, कोई समस्या कि कोई ज़्यादा गरीबी नहीं है, और एक हमारे में यहाँ पे इतने बिलियनियर है, 140 है,
और अभी है, तो जरूरी है कि फिलेंथ्रॉफी के अंदर भी हम लोग काफी आगे जाएं। दुनिया में परोपकार के अंदर हमारी रैंकिंग बहुत पीछे है, समझ गए, तो उसको थोड़ी सी इंप्रूव करने की जरूरत है। चलिए आगे बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को कितनी पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाएगी, फिनेंस असिस्टेंस। आरबीआई के द्वारा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 50,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट है जो कि किया गया था। 7 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द जेनोसाइड कौन से कंट्री के अंदर मनाते हैं, कौन से कंट्री में हुआ था 7 अप्रैल को, यह हुआ था आपका रवांडा के अंदर। ठीक है गाइस, तो रवांडा सही आंसर होगा। आयुष मंत्रालय ने पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के लिए एक नियामक तंत्र विकसित करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं, जल्दी बताइए। आयुष मंत्रालय ने एमओयू साइन किया है आयुर्वेदा यूज करने के लिए, कहां पर, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ फिशेज एनिमल हस्बेंड्री के अंदर दोस्तों, इनके साथ में ये एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट है जो कि ये पीडीओटी प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम माइग्रेंट वर्कर के लिए, कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया पीडीओटी, पीडीओटी कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, आंसर बताइए। यह हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो जयशंकर जी की है दोस्तों, उनके द्वारा किया गया है। चलिए चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए $480 मिलियन लोन कौन से बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया है, आंसर बताइए कौन सा है दोस्तों, यह आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसने ये लोन दिया है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, हमारे जो कंज्यूमर है उनके कॉन्फिडेंस को लेकर आंसर क्या होगा, आरबीआई ने और ये पब्लिश किया है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, रैंकिंग नहीं पूछी थी, पब्लिकेशन पूछा था, किसने पब्लिश किया है। क्लियर ट्रिप को किसने अक्वायर किया है, जल्दी बताओ कौन है, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के द्वारा दोस्तों अक्वायर किया गया, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट के द्वारा किया गया। मानस ऐप में एम क्या है, फुल फॉर्म है इसकी मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मल ऑगमेंटेशन सिस्टम, नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, तो एम का मतलब है मेंटल। आईपी गुरु नामक एक विशेषज्ञ पैनल लॉन्च किया गया किसके द्वारा, आईपी गुरु कौन से गुरु, आईपी गुरु जल्दी बताइए, एक बार वीडियो को शेयर भी कर देना गाइस, शेयर नहीं किया तो, और स्माइल फॉर ऑल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया तो। स्माइल फॉर ऑल एक यूट्यूब चैनल है, और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो स्माइल फॉर ऑल एक बिहार नाम से भी यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए किसने किया है, निक्सी नाम के दोस्तों एक इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा ये आईपी गुरु है जो कि लॉन्च किया गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021, एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो थीम था वो था रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर। बहुत ही मुश्किल सवाल है इसलिए मैंने बता दिया, मुझे भी पता नहीं था वैसे ऑनेस्टली। ठीक है, 40th साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा होस्ट किया गया है, बहुत ही सिंपल सवाल है, कौन सी मिनिस्ट्री होस्ट करेगी अंटार्कटिका और ऐसे जो मिशन होते हैं उसको, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है दोस्तों जो कि देखती है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं, जेंडर संवाद कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, जल्दी बताओ, एक बच्चा निक्सी के बारे में पूछा, निक्सी क्या है, निक्सी है और अपना इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी के फुल फॉर्म है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे अपना एनएससी है बीएससी है वैसे निक्सी है। जेंडर संवाद इवेंट किसके द्वारा, रूरल डेवलपमेंट के द्वारा दोस्तों करवाया गया था। नेक्स्ट है,
पीएलआई स्कीम के तहत क्या बजट है दोस्तों, जो कि व्हाइट गुड के लिए रखा गया। व्हाइट गुड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक के सामान, एसी, एलईडी लाइट, ये सब। कितना बजट रखा गया था इसके लिए? 6238 करोड़ है दोस्तों जो कि रखा गया था। पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट भारत में कौन से कंट्री के द्वारा? गुजरात में दोस्तों लगाया जा रहा है। जल्दी बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? ये इटली के द्वारा लगाया जा रहा था, इटली आपका सही आंसर होगा। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ में जो है ओन समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक का दहन करने वाले शहर के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं, एमओयू साइन किए हैं दोस्तों? किस देश के साथ में समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक को खत्म करने को लेकर? जल्दी बताइए। हाँ भाई, इटली आंसर हो जाएगा पिछले वाले का, राहुल जी के नानी का घर। चलिए आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? किसके साथ में? जर्मनी। ठीक है गाइस, तो जर्मनी के साथ में भारत ने करार है जो कि किया है, सिटीज कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग मरीन एनवायरमेंट। ओके, साथ में डेनमार्क के साथ में भी किया है वैसे। चलिए आगे बात करते हैं, AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया ने किस देश की साझेदारी में शुरू किया है? किसके साथ में प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है? तो इंडिया के साथ में किया गया, तभी सवाल बना है। शिव सुब्रमण्यम रमन जो हाल ही में खबरों में थे, किस संगठन के अध्यक्ष के और MD के रूप में पदभार संभाला है? ओके, शिव सुब्रमण्यम रमन जी की बात करें तो सिडबी के दोस्तों इनको नया MD बनाया गया है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन दोस्तों कौन से राज्य को दी गई? तो आपको मालूम है सबसे ज्यादा जरूरत महाराष्ट्र को थी, तो महाराष्ट्र को ही मिली है। अर्थ डे 2021 की थीम क्या है, जल्दी से बताइए। अर्थ डे के बारे में बताइए, कितनी तारीख को मनाते हैं? बिल्कुल सही है, रीस्टोर आर अर्थ इसका थीम होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? ओके, स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है, शोएब के द्वारा, कार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स शोएब जी के द्वारा इसका फॉर्मेशन 1971 में किया गया था। और जेंडर गैप हो गया, टूरिज्म इंडेक्स हो गया, बहुत सारे रैंकिंग रिलीज करते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन में हमारी रैंकिंग 87 है। नेक्स्ट है, NSE इंडेक्स का नाम क्या है जिसने अभी रिसेंटली 25 साल कंप्लीट करे हैं? क्या नाम है उसका? NSE निफ्टी। ठीक है, इंडेक्स का नाम क्या है? निफ्टी। ओके, आपको मालूम है दो तरीके के इंडेक्स बहुत ही फेमस है, एक तो है अपना दोस्तों निफ्टी हो गया और एक हो गया अपना सेंसेक्स। सेंसेक्स जो है वो हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, और हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सॉरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का तो अपना सेंसेक्स है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी है। ठीक है गाइस, चलिए, कौन सा प्रोग्राम WHO के द्वारा बैक किया गया है ताकि यंग लोग जो है दुनिया में COVID-19 के इंपैक्ट को कम कर सके, फंड कर सके, कम कर सके? उसका नाम है ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन। नेक्स्ट है, कोडेक्स हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र से जुड़ा है? कोडेक्स प्रोग्राम की बात करें गाइस तो ये जुड़ा हुआ है किससे? फूड के स्टैंडर्ड को लेकर। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस रिसेंटली दोस्तों कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया? नेट जीरो बैंकिंग अलायंस किसके द्वारा किया गया है? यह हमारे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया गया, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी के अंदर है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त योजना की घोषणा की ताकि विकासशील देशों को जलवायु वित्त को दोगुना किया जा सके? इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान किसके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है? यह अमेरिका ही करेगा, ऑब्वियसली अमेरिका ने किया है। ठीक है गाइस, यूनिकॉर्न अभी नाम दिया गया है, 1500 लाइट ईयर दूर है हमारी अर्थ से, ये क्या है? ये क्या है यूनिकॉर्न के बारे में बताइए? यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉर्न है हमारा एक ब्लैक होल, ठीक है, जिसके बारे में रिसेंटली डिस्कवरी हुई थी। इंजेनिटी नासा का हेलीकॉप्टर किस स्थान पर भेजा गया है? पहला हेलीकॉप्टर दोस्तों जो कि पहुंचा, कहां तक पहुंचा, जल्दी बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
मार्स, ठीक है। 2021 वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, आपका बिल्कुल सही जवाब है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड अर्थशास्त्र के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के हिसाब से कितनी है दोस्तों? 10.2% है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा चेंज होती रहेगी, तो यह पेपर में सवाल नहीं बनेंगे आपके ऐसे वाले, क्योंकि हर एक महीने दो महीने में चेंज होगी, क्योंकि अभी हालत खराब है, ठीक है। चलिए, तो यूएस प्रेसिडेंट ने दोस्तों मैसाकेयर जो है 1915 में हुआ था जेनोसाइड, उसको रिकग्नाइज किया। कौन से देश के जेनोसाइड को रिकग्नाइज किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? अर्मेनिया, ठीक है गाइस, अर्मेनिया अजरबैजान वाले एरिया में। ओके, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या है? गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत का जो रैंकिंग है वो है दोस्तों 49, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट डेंटेक जो कि बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है, कौन से कंट्री में इसको कंप्लीट किया गया है? बहुत सालों से चल रहा है ये प्रोजेक्ट, नेहरू जी के टाइम पे स्टार्ट किया गया था, ये चल रहा है आपके भूटान के अंदर, ठीक है, रोड वहां पे इंडिया ने ही बनाई है। चलिए, एनसीटी नया बिल लाया गया है दोस्तों, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का मतलब क्या है? पता नहीं, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का मतलब बचपन से तो हम लोग वहां की जो गवर्नमेंट है जो कि जनता चुनती है वो माना है हमने तो, लेकिन अभी सरकार बोलती है कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को जो है आप सरकार जो जनता ने चुनी है वो मत मानो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चुन रही है उसको मानो, जो कि हमारे एलजी वाल साहब हैं। चलिए, यानबू बंदरगाह हाल ही में खबरों में था, ये कहां पर है? यानबू बंदरगाह है दोस्तों आपके सऊदी के अंदर, सऊदी अरेबिया, ठीक है। पीएम जन आरोग्य योजना किस सतत विकास लक्ष्य के साथ शुरू करी गई थी? जन आरोग्य योजना, ठीक है, हेल्थ को लेकर था ना आरोग्य योजना, तो कौन सा सस्टेनेबल है हमारा? 3, ठीक है, हेल्थ जो है ना आपकी उसको लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3। चलिए, माइकल कॉलिंस जिनका हाल ही में समाचार में था, किस क्षेत्र से जुड़े थे? माइकल कॉलिंस याद है क्या? नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एल्ड्रिन, 3 लोग थे जो कि मून के ऊपर गए थे, 2 लोगों ने कदम रखा था। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस साइंटिस्ट थे दोस्तों कॉलिन, एल्ड्रिन और दोनों ने तो कदम रखा, और कॉलिन दोस्तों स्पेसक्राफ्ट को संभाले हुए थे। नेक्स्ट है, 2 नए स्पीशीज डैम सेल्फीज के दोस्तों डिस्कवर करे गए, कौन से रीजन में? सेल्फलाइज, 2 न्यू स्पीशीज दोस्तों डैम सेल्फलाइज के, जो फ्लाई होती है ना आपके, जो उसके इंडिया में डिस्कवर करे गए, कौन से रीजन के अंदर? या आपके वेस्टर्न घाट में पता करे गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं, विकासशील एशिया का आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जारी किया गया है? डेवलपिंग एशिया इकोनॉमिक आउटलुक, एशिया के बारे में बात हुई है तो कौन जारी करेगा? एडीबी जारी करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। कस्टम के ऑफेंसेस के लिए भारत ने कौन से देश के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है? कस्टम को लेकर भारत ने किसके साथ में किया है? ये हमने किया है यूके के साथ में, तो यूके आपका सही आंसर हो जाएगा। यानबू मैं बता चुका हूं। NEO-01 रोबोट कौन से कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि स्पेस के कचरे को हटाया जा सके? स्पेस के कचरे को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपके यूएसए तो नहीं है, चाइना, हाँ चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए, चाइना ने लॉन्च किया लेकिन खुद ने कचरा कर दिया, अभी रिसेंटली सेटेलाइट छोड़ी थी, वो कचरा हो गया उसका, कुछ जवाब नहीं दे रहा उसका। B-1617 क्या है जो हाल ही में समाचार में देखा गया है? B-1617 सिंगल म्यूटेंट, डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट भी आ रहा है, ये क्या है दोस्तों आपका? COVID-19 का वेरिएंट है। ओके, इंडियन वेरिएंट के तौर पे जाना जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कितनी ग्रोथ है जो कि इंडिया की फाइनेंशियल 2022 में बताई गई है? आंसर हो जाएगा 11%।
आरटीपीसीआर परीक्षा में सिटी क्या दर्शाता है? जल्दी बताइए, आरटीपीसीआर, पहले तो मेरे को आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म बताओ। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, मालूम है ना? ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ये तो हो गया आरटीपीसीआर। इसमें सीटी का पूरा क्या है? साइकिल थ्रेशोल्ड, ठीक है गाइस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीटी की साइकिल थ्रेशोल्ड है जो कि हम कहते हैं, ठीक है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए भाई, जल्दी बताओ। पेशेंट जो है वो पॉजिटिव कब होता है कोविड 19 का? जब 35 से नीचे उसकी वैल्यू होती है, जब साइकिल थ्रेशोल्ड 35 से नीचे होती है तो बंदा क्या होता है? कोविड पॉजिटिव है दोस्तों, जो कि होता है। इससे भी आप जो है वो वैल्यू को पता कर सकते हो, ठीक है, ओके। 35 से नीचे जाते ही जो है उसको पॉजिटिव है जो कि डिक्लेयर कर दिया जाता है। नंबर ऑफ साइकिल्स है जो कि वायरस को पता करने के काम में आती है। आगे बात करते हैं, इम्यूनाइजेशन एजेंडा WHO के द्वारा प्रपोज किया गया, ओके, तो ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? IA एजेंडा, WHO और कई सारे पार्टनर कंट्री के द्वारा लोगों के 5 करोड़ लोगों की जान बचाने के लिए दोस्तों किया गया, इसको प्रपोज किया गया है। कब तक? 2030 तक दोस्तों। IA 2030 है जो कि इसको कहते हैं। रिसेंटली दोस्तों एक एथलीट ने दूती चंद और हिमा दास को हरा दिया नेशनल चैंपियनशिप के अंदर 100 मीटर में। कौन है वो? वो है दोस्तों धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी जो है जिन्होंने दोस्तों दोनों को हरा दिया। कौन से इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि सब्सिडरी है दोस्तों, जिसने इनकॉर्पोरेट किया है न्यूली ओन्ड सब्सिडरी रिसेंट इस क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को लेकर? तो पंजाब नेशनल बैंक ने दोस्तों किया है, ठीक है, न्यूली ओन्ड सब्सिडरी है जो कि क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को लेकर बनाई है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश को 2020 में दक्षिण एशिया में बाल और मातृ मृत्यु में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज करनी है? सबसे ज्यादा इंक्रीज है जो कि चाइल्ड और मटर्नल डेथ में देखने को मिलेगी साउथ एशिया 2020 के अंदर। कौन सा कंट्री है? एज यूजुअल हालत हमारे हेल्थ के खराब है, हमारा देश है। नीति आयोग ने पार्टनरशिप करी है दोस्तों कौन से टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ में, ताकि वो ट्रेन कर सके स्टूडेंट को क्लाउड कंप्यूटिंग के लेकर? जल्दी बताइए। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, अमेज़न के साथ में करी है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कमिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई टेक्नोलॉजी एरिया, एक कमिटी बनाई गई है मैन्युफैक्चरिंग हाई टेक्नोलॉजी एरिया, उसके हेड किसको बनाया गया है ये आपको बताना है। हेड कौन है? पीयूष गोयल जी को बनाया गया है। कौन से कंट्री दोस्तों एग्रीमेंट विच इंडिया ने एग्रीमेंट एंटरशिप किया है पेटेंट को लेकर, पेटेंट प्रोसिक्यूशन को लेकर भारत ने कौन से देश के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है? आंसर हो जाएगा आपका जापान। नेक्स्ट है दिव्यांश सिंह पनवार और वेला रिवन न्यूज में थे, कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं? दिव्यांश और एलावेलिन दोनों दोस्तों कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं? ये दोस्तों जबरदस्त शूटर हैं, शूटिंग शूटर हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली टूर्नामेंट जीता भी है विदेश में। ATI बॉन्ड इन इंडिया, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलैक्स किया है नॉर्म्स ATI बॉन्ड के वैल्यू को लेकर? ये सेबी के द्वारा किया गया है। खेलो इंडिया स्कीम रिसेंटली एक्सटेंड कर दी गई है, कौन से साल तक? अभी हरियाणा के अंदर बोला जा रहा है नेक्स्ट वाला खेलो इंडिया गेम्स खेला जाएगा, उससे पहले गुवाहाटी, उससे पहले पुणे, उससे पहले दिल्ली में हुआ था। 2025-26 तक इसमें एक्सटेंड किया गया। 1000 एथलीट चुने जाते हैं 8 साल के लिए, 5 लाख रुपए उनको मिलते हैं तैयारी के लिए सालाना, ओके। कौन सी कंपनी को CBI के द्वारा बुक किया गया फ्रॉड के अंदर PMAY अंत्योदय योजना के तहत? तो ये
DHFL कंपनी है जिसको सीबीआई ने फ्रॉड में पकड़ा है। हाल ही में भारत ने केप गेज लोकोमोटिव को किस दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना किया है? केप गेज लोकोमोटिव को कौन से अफ्रीकन कंट्री में भेजा इंडिया ने? मोजाम्बिक में। फर्स्ट हिस्टोरिक वर्चुअल सबमिट करवाया गया रिसेंटली, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहां पे दोस्तों क्वाड कंट्रीज का पहली बार सबमिट हुआ है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के युवा वैश्विक नेताओं सूची में शामिल किए गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर्स लिस्ट में इंक्लूड करे गए हैं। जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। ठीक है गाइज, चलिए कौन सी बॉडी ने रिकमेंडेशन दी है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 12 पब्लिक बॉडी को प्राइवेट करने को लेकर? बताओ एक साथ ही 12, एक दो भी नहीं, एक साथ ही 12। नीति आयोग, एक तो ये नीति आयोग ने भी जीना आराम कर दिया। पहले बेचारा प्लानिंग कमीशन था, चुपचाप बैठा रहता था, कोई काम नहीं करता था ठीक ठाक। ये नीति आयोग को तो इनकी इनिशिएटिव ऐसे लगते हैं कि उल्टे और पड़ते हैं हमारे ऊपर। 12 और मतलब सीधे ही। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री का निधन हुआ, बुकायो का नाम लिया गया है? हामिद दोस्तों उनका नाम था जो कि प्राइम मिनिस्टर थे। कौन से देश के? आइवरी कोस्ट के। कौन से यूनियन मिनिस्टर दोस्तों उन्होंने ई कॉमर्स पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट करी है? कौन है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ऑब्वियसली जो कि ड्राफ्ट करेगी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेबर मिनिस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड जॉब्स सर्वे फॉर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? फ्रीक्वेंसी कितनी है लेबर मिनिस्ट्री के जॉब सर्वे को लेकर? तो ये क्वार्टरली दोस्तों किया जा रहा है। ओके, अभी भारत की रिटेल इन्फ्लेशन जो है ना वो 5% के ऊपर चली गई थी। तो किस चीज के प्राइसेस है दोस्तों जो कि बढ़े हैं? तो आपको मालूम है फ्यूल दोस्तों 100 रुपए से भी ऊपर चला गया है। तो फ्यूल के प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन भी काफी बढ़ गया है, ये तो आपको मालूम ही है। क्वाड कंट्रीज है इसका तो आंसर। 75% रिजर्वेशन है दोस्तों जो है वो अभी प्राइवेट सेक्टर की जॉब में लोकल के लिए रखा गया है। पहले तो हरियाणा ने बोला, हरियाणा के बाद कौन से राज्य ने अनाउंसमेंट किया है 75% रिजर्वेशन? तो ये दोस्तों किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा अनाउंस किया गया है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हमने दोस्तों लास्ट मंथ के वन लाइनर करंट अफेयर है जो कि कवर करें। मुझे मालूम है आपको 50% भी अगर आंसर आ गए हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं होते तो बहुत मुश्किल होती है आंसर करने में और एग्जाम में आपको, लेकिन आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको अनअकैडमी पे 30+ गवर्नमेंट जॉब में से किसी की भी तैयारी करनी है तो आप अपना रेफरल कोड BHU10 या भुवनेश्वर लगा के 10% ऑफ पा सकते हैं और आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपको इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर के सारे क्लासेस, PDF, टेस्ट सीरीज, नोट्स सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, वापस से मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो भी कोई भी मंथ एंड होता है तो उसके नेक्स्ट मंथ के अंदर मैं आपको जो है प्रीवियस मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर जो कि करवाता हूं। ये एक रिविजन वीडियो होता है जिसके अंदर आपको 30 मिनट के अंदर जो है पिछले मंथ के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो चीजें होती है, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। ओके गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया ये रिविजन वीडियो है तो इसके अंदर आपको डायरेक्टली जो न्यूज है वो देखने को मिलती है और उसके माध्यम से हम लोग हमारे प्रिपरेशन को स्ट्रांग करते हैं। तो अभी CHS का एग्जाम जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको जनवरी का, फरवरी का और 20 से लेकर 30 मार्च तक का करंट अफेयर जो कि अवेलेबल करवाया था। होपफुली आपने वो वीडियो देख लिया होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले जनवरी, फरवरी और 20 से लेकर 30 मार्च तक का करंट अफेयर जो कि अवेलेबल करवाया था। अगर आपने ये वाली PDF नहीं ली है तो प्लीज गाइस, आज भी मैं आपको कमेंट में ये वाली PDF डाल दूंगा, प्लीज ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 के अंदर इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने पूरी इसके अंदर डाली है। हालांकि ये मैंने आपके CHSL के लिए बनाया था लेकिन ये आपके CGL, आपके रेलवेज, आपके PCS सभी एग्जाम, पुलिस का, डिफेंस का, CDS, VDS जो भी एग्जाम आ रहा है ना सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले वीडियो को देख लेना, इसकी PDF देख लेना, मैंने पिछले वाले वीडियो के कमेंट में भी डाली है।
आज भी कोशिश करूंगा, आज भी डाल दूंगा, ठीक है गाइज। और आज का जो ये सेशन है जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट मार्च का करंट अफेयर है जो कि रिवाइज करवाने वाला हूं, तो यानी आपका जनवरी हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा और मार्च हो जाएगा। हालांकि दिसंबर नवंबर का भी मैंने करवाया है, लेकिन अब जैसे हालात देखते हुए सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए तो मैं करवा चुका हूं करंट अफेयर जो मैंने कमिट किया था, लेकिन सीजीएल के लिए आपको 2021 का ही करना जरूरी है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। ओके ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अगर आपको घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से कर सकते हैं। 400-500 रुपए पर मंथ पे करके आप इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। आपको अनअकैडमी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, 30+ एग्जाम है उसके ऊपर, और रेफरल कोड जो आपको लगाना है वो BHU10 है या फिर BHU10 है, दोनों में से कुछ भी लगाइए, 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइज। तो 10% ऑफ आपको मिल जाएगा और घर बैठे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की क्लासेस मेरी भी स्टार्ट हो रही है जो कि SSC के अंदर हो रही है। SSC के अंदर इकोनॉमिक्स जो है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। 21 से बैच स्टार्ट हो रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 2 मंथ का आपको फ्री मिलेगा SSC का, और इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर की सारे सब्जेक्ट की क्लासेस है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सामिया हसन के बारे में। तंजानिया की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट है जो कि वो बनी है। कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर है तो बढ़िया जो है आप आराम से बाद में देख सकते हैं। हाँ, UPSI के लिए मैंने आपको बताया ना कि जितने भी आपके स्टेट के एग्जाम है, जितने भी आपके सेंटर के एग्जाम है, ये आपके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है गाइज। आप एग्जाम दीजिएगा, आपको पता लगेगा कि सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, है ना। कोई उटपटांग क्वेश्चन आ जाए एक दो तो वो बात अलग है, अदरवाइज तो ठीक है, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। न्यू ग्रोथ के बारे में बात करें, ये एक कंपनी है जिसने अपॉइंट किया है अजिंको रहाणे को एज ए ब्रांड एम्बेसडर, समझ गए मेरी बात। साथ में दोस्तों 20 मार्च का दिन ऐसा दिन है जिसमें बहुत सारे दिवस आते हैं। कौन कौन से आप देख सकते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, वर्ल्ड स्पैरो, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ये सारे के सारे 20 मार्च को ही मनाया जाते हैं। अब क्या सारे याद करने की जरूरत है? क्या सारे याद करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर जो पेपर में आ सकता है वो आ सकता है, एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो कि 20 तारीख को है, वर्ल्ड स्पैरो डे ओके वो भी 20 तारीख को ही है, तो आप देख लीजिएगा मैंने सारे एक साथ ही लिख दिए, 20 तारीख को आते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर ने अप्रूवल दे दिया है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन को। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन कहां पर है? चेनाब के ऊपर है, और काफी बार इसके बारे में डिस्कशन है जो कि हो रहा है प्रेजेंट एरा के अंदर, इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर में आपके बन सकता है, समझ गए मेरी बात। नेक्स्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म, ये सिंगापुर के अंदर है दोस्तों जो कि बनाया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म। अब आप बोलोगे सर कुछ दिन पहले तो आपने पढ़ाया था कि MP के अंदर भी बनने वाला है। MP के अंदर बनेगा लेकिन वो 2023-24 तक बनेगा, तो जब वो बन जाएगा तब वो हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल सिंगापुर वाला है, समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। हाँ, हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन, हाँ एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन भी है स्माइल फॉर ऑल का, जिसके माध्यम से आप एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं 500 रुपए पर मंथ में, उसकी शिक्षा को फाइनेंशियली अडॉप्ट कर सकते हैं पिज्जा की कॉस्ट के ऊपर। स्माइल फॉर ऑल society.org वेबसाइट पर जाके 500 रुपए पर मंथ में आप एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए है। आप में से जो जॉब नहीं कर रहा आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो यह इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 तारीख को है, और वर्ल्ड का फर्स्ट हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन है जो कि स्माइल फॉर ऑल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमेशा लोग मूवीज ही मिलती आई है ओके, इस बार हैप्पीनेस भी डेफिनेटली मिलती है अगर आप किसी को शिक्षित करते हैं तो, और ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं अजय माथुर को लेकर। अजय माथुर की बात करें तो इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर। कहां पर हेडक्वार्टर है? गुरुग्राम के अंदर हेडक्वार्टर है, ठीक है गाइस। पहले त्रिपाठी साहब थे और अभी अजय माथुर जी को बनाया गया है, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी जिन्होंने दोस्तों डबल सेंचुरी मारी, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए अफगानिस्तान के खिलाड़ी है शाहिदी, वो पहले खिलाड़ी है जिन्होंने 200 रन है जो कि टेस्ट में मारे हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली जी का निधन हो गया। और अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके साहित्य अकेडमी अवार्ड की इस बार, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इस बार किसको मिला है? आपको मालूम है पॉलिटिशियन वीरप्पा मोइली और अरुंधति सुब्रमण्यम, दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। 2020 का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है उससे इनको सम्मानित किया गया है
ओके, साथ में अगर मैं बात करूं अपने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, उसके नियुक्ति महानिदेशक किसको, गणपति जी को दोस्तों बनाया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। सिप्री की अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी और सिप्री ने बोला था कि दुनिया के अंदर कई सारे देशों का जो आम इंपोर्ट है वो कम हो गया है, समझ गए। तो यहां पे दोस्तों पिछले साल से जो प्रीवियस ईयर से जो आम इंपोर्ट है वैसे कम हो गया है, तो 33% का डाउनफॉल है जो कि इंडिया का देखने को मिला। रशिया के सबसे ज्यादा वेपन है जो कि हम लोग यूज करते हैं, 49% हमने रशिया से इंपोर्ट करवाए हैं, 18% फ्रांस से और 13% इजराइल से है जो कि हमने लिए हैं। हमने बेचे किसको है, म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस, समझ गए, म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस, ये तीन देश है जिनको हमने हथियार बेचे हैं, ठीक है गाइज। चलिए आगे बात करते हैं, दुनिया की कैपिटल सिटीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है ना वो दिल्ली है, आपको मालूम है ये बात, दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है, तीसरे लगातार साल है जो कि हुई है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है। अगर मैं पूरी दुनिया की सिटीज की बात करूं तो उसके अंदर तो दिल्ली 10वें नंबर पर है, लेकिन राजधानी के पॉइंट से वो नंबर 1 पर है। अगर मैं सिटी की बात करूं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कौन सी, तो चाइना की है जिंगजिंग, ये दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी का अवार्ड है जो कि इसको मिला है, ओके गाइज। और टॉप 15 में, टॉप 10 में इंडिया की 9 सिटीज है, मतलब ओके, तो आप ये देख सकते हैं सारे सिटीज इसके अंदर मेंशन है। साथ में दोस्तों धनलक्ष्मी जो है, धनलक्ष्मी एक अपनी एथलीट है, उन्होंने अभी रिसेंटली दोती चंद को दोस्तों फेडरेशन कप होता है, फेडरेशन कप गोल्ड होता है 100 मीटर के स्प्रिंट के अंदर, दूती चंद को हरा दिया, तो हराना काफी बड़ी बात है क्योंकि बहुत जबरदस्त एथलीट है। अरुण, आज सुबह 8 बजे वाली क्लास नहीं होती है, मंडे टू सैटरडे होती है सुबह 8 बजे वाली क्लास, चलिए तो कल करेंगे हम 8 बजे वाली क्लास को। WHO ने दोस्तों सेल्वाडोर को मलेरिया फ्री है जो कि अनाउंस किया है, ध्यान रखिएगा मलेरिया फ्री। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दोस्तों के जो प्रिंसिपल एडवाइजर थे PK सिन्हा जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। साथ में नोकिया ने 5G रेडियो स्टेशन है जो कि डेवलप करे हैं, बड़ी बात है, नोकिया का हालात जो है वो बहुत ही खराब हो गए, एक जमाने में दोस्तों नोकिया का 1100 मोबाइल भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, ओके, उसके अंदर गेम आया करता था, कौन सा था, स्नेक, आई गेस स्नेक था, टेट्रस था, उसके अंदर दुनिया भर के लोग लगा करते थे, वक्त बदला, सैमसंग, नोकिया ने बीट किया था मोटोरोला को और नोकिया को बीट किया सैमसंग ने, इसलिए बोलते हैं वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, विराट कोहली दोस्तों पहले ऐसे प्लेयर जिन्होंने T20 के अंदर 3000 रन जो कि स्कोर करे। UAE के जो मोहम्मद नावेद है, अनवर है, इनको 8 साल के लिए क्रिकेट के लिए बैन कर दिया। साथ में हीथ स्ट्रिक जो जिम्बाब्वे के कैप्टन हुआ करते थे उनको भी बैन कर दिया गया रिसेंटली। ऑडियो कैसेट के जो इन्वेंटर थे दोस्तों ऑटेंस, उनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई थी अभी, ऑडियो कैसेट के ठीक है इन्वेंटर है जो कि हुआ करते थे। ऑडियो कैसेट आपको मालूम है बहुत चली है, एक साइड के ऊपर 5 गाने, एक साइड के ऊपर 5 गाने, ओके, उसके लिए झगड़े हुआ करते थे गाने भरवाने के लिए, क्योंकि नई कैसेट खरीदना तो बहुत मुश्किल हुआ करता था, ठीक है। चलिए और गाइज देखो, अगर आपको ये सारी न्यूज अगर आपको डिटेल में पढ़नी होती है तो आपके लिए सुबह 8 बजे वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 8 बजे की जो क्लास होती है ना उसके अंदर हम काफी डिटेल में जो है हर एक न्यूज को कवर करते हैं, तो वो रेगुलर देखा करो, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। WEE ने ऑनर किया है रिन्यू पावर को एज ए ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क, रिन्यू पावर एक कंपनी है उसको ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के तौर पर दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया है। रशिया के जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने बीट कर दिया है और भारत 4th नंबर पे आ गया है। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी जो हम लोग रखते हैं ना, है ना, ट्रेड करने के लिए, ठीक है गाइज, वो आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है, उसमें हम लोग 4th नंबर के ऊपर आ गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि है ग्रैमी अवार्ड को लेकर। ग्रैमी अवार्ड आपको मालूम है दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस म्यूजिक के अवार्ड है जो कि होते हैं, और इसके अंदर एल्बम ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसको मिला है, फॉक्लेयर टेलर स्विफ्ट को मिला है एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बिली को, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट मेगन को, और ये तो क्या रैप वाला नहीं आएगा, न्यू वाला भी नहीं आएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और एक ये सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये तीन चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे ठीक है, इसके अलावा आपसे पेपर में नहीं पूछेंगे ग्रैमी के अंदर, ठीक है गाइज। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है गौशाल्य शंकर जी को ऑनर किया गया अंतरराष्ट्रीय
महिला दिवस पर इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मुंबई सिटी को लेकर। मुंबई सिटी ने बीट किया मोहन बागान को मेड इन आईएसएल टाइटल के अंदर। इंडियन सुपर लीग का टाइटल है जो कि मुंबई सिटी ने दोस्तों जीता है। आईपीएल में भी यही जीतती है, फुटबॉल में भी यही जीतती है। अरे भाई चल क्या रहा है, हर जगह से अम्बानी जी को पैसा है वैसा है। चलिए, भवानी देवी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है, फेंसर होते हैं तलवारबाजी, तो उसके अंदर भवानी देवी है जो कि पहली भारतीय ठीक है प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया। साथ में वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कितने तारीख को आता है, 24 तारीख को। तो इस बार जो है इसकी थीम रखी गई है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों ही बातें। और जिस जिसकी डेज की जो थीम इंपॉर्टेंट होगी तो वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, जिसकी इंपॉर्टेंट नहीं होगी है ना वो हम लोग कवर नहीं करेंगे। वैक्सीनेशन डे की बात करें तो 16 तारीख है। हिमाचल के जो सीएम है उन्होंने इनॉग्रेट किया यहां पे क्या स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला। तो ये मेला है जो कि इनके द्वारा अनाउंस किया गया है। कई बार क्या होता है कि आपसे पेपर में इसके बारे में भी पूछते हैं ठीक है कि कौन सा मेला जो है वो कहां पे करवाया जाता है, कहां पे नहीं करवाया जाता, तो ये आपसे कई बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है गाइज, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की बात करें तो 15 मार्च होगा, 15 मार्च को आता है, 15 मार्च करना है इसको। हाँ, 16 को वैक्सीनेशन है, 15 को कंज्यूमर राइट्स डे है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मिताली राज दोस्तों पहली भारतीय वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने 10,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर स्कोर करे, 10,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट है। टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया व्हील्स ऑफ लव ताकि पेरेंटहुड को प्रमोट किया जा सके। आपको मालूम है बहुत सारे वर्किंग पेरेंट्स को दिक्कत होती है बच्चे को बड़े करने के अंदर, क्योंकि दोनों वर्किंग होते हैं, तो उस चीज को कैसे मैनेज किया जा सके, कैसे टैकल किया जा सके, पेरेंटहुड को कैसे एंजॉय किया जा सके, उस चीज को लेकर ये व्हील्स ऑफ लव है जो कि लॉन्च टाटा मोटर्स के द्वारा किया गया था। राजेंद्र का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे राजेंद्र। चलिए नेक्स्ट है जापान को लेकर। जापान ने दोस्तों वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है जो कि लॉन्च किया, जिसका नाम है फुगाकू। ठीक है, राइकेन करके एक कंपनी है, उसके द्वारा फुगाकू करके वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है जो कि लॉन्च किया गया है। फुगाफू नाम रखा गया है माउंट फ्यूजी के तौर पे, माउंट फ्यूजी है ना, उसी का अल्टरनेटिव नाम है जो कि ये रखा गया है, समझ गए। भारत के चीफ स्टैटिस्टिशियन कौन बने हैं अभी रिसेंटली, समंता जी है जो कि बने हैं, जेपी समंता जी चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं अनुराग ठाकुर को लेकर। अनुराग ठाकुर जी को प्रमोट किया गया है एज ए कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी, आपको मालूम है ओके, कैप्टन बने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर। नेक्स्ट है मोदी जी। मोदी जी ने दोस्तों 91st एनिवर्सरी थी अभी दांडी मार्च की। अब देखिए सवाल कई सारे बनते हैं, ऐसा आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइज, करुणा का भी आज हैप्पी बर्थडे है। ठीक है, मस्त होता है ना हैप्पी बर्थडे। ठीक है, करुणा का भी आज बर्थडे है ओके। बफरिंग हो रहा है क्या? मेरे ख्याल से आवाज परफेक्टली आ रही होगी गाइज, जस्ट गिव मी अ सेकंड, चेक करने दो। आवाज आ रही है तो थम्स अप करो एक बार मुझे जल्दी से, थम्स अप कर दो अगर आवाज वाज परफेक्टली आ रही है तो। चलो रिफ्रेश कर देता हूं एक बार मैं। अभी आ रही क्या आवाज? परफेक्ट, फोन का भी नेट नहीं चल रहा है, क्या करें। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है जम्मू एंड कश्मीर ने सेलिब्रेट किया फेस्टिवल शिवरात्रि, उसका नाम है हैरात नाम से। ठीक है, काफी फेमस फेस्टिवल है शिवरात्रि का, हैरात, ध्यान रखिए। निगर के जो प्रेसिडेंट है उनको अफ्रीका का टॉप प्राइस से दोस्तों सम्मानित किया गया, महामदे इनका नाम है ओके, निगर के प्रेसिडेंट है। चाइना और रशिया ने दोस्तों एमओयू साइन किया है लूनर स्पेस स्टेशन बनाने को लेकर। ठीक है गाइज, लूनर स्टेशन कौन बना रहे हैं?
रशिया और चाइना मिलकर। आरबीआई ने रिमूव किया है दोस्तों आईडीबीआई बैंक को पीसीए रिस्ट्रिक्शन से। जब किसी बैंक की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है तब उसको पीसीए प्रॉम करेक्टिव एक्शन जो है फ्रेमवर्क में रखा जाता है, उसको अलाउ नहीं करते और पैसा खर्च करने को। अगर उसकी कंडीशन सही हो जाए तो उसको अलाउ करते हैं, तो आईडीबीआई बैंक को अलाउ है जो कि कर दिया गया है। नेक्स्ट है इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में एक्साइज होती है डस्ट लिंक, आप सभी को मालूम है। साथ में दोस्तों इसरो ने डेवलप किया है ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन नासा के साथ में। अगर आपसे रडार के बारे में पूछे ना कि कौन से देश के साथ में रडार जो है वो भारत ने बनाया है, तो इसरो के साथ नासा, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, चेयरमैन ऑफ यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स, जो हमारे जो कैग है ना, हमारे जो कैग है उनको और भी बहुत जगह पे ऑडिटर बनाया जाता है, समझ गए मेरी बात? हाँ भाई आकांक्षा, आपका भी कमेंट देख लिया है मैंने, और बताइए अब क्या। चलिए देखिए, आपकी जो भी समस्या हो वो कमेंट के अंदर बाद में वीडियो खत्म होने के बाद डाल दीजिएगा, मैं कमेंट देखता हूं, है ना, तो मैं आपका रिजॉल्व वहां पे कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, तो गिरीश मुर्मू जी को चेयरमैन बनाया गया यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे। अमिताभ बच्चन जी को ऑनर किया गया FAIAF अवार्ड के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रामनाथ कोविंद जी को भी दोस्त, रामनाथ कोविंद जी ने अवार्ड दिया किसको, किरण बेदी जी को, कौन सा बैटन ऑफ ऑनर अवार्ड है जो कि दिया है, ठीक है, सोसाइटी के लिए काम करने और गवर्नर थी पहले आपको मालूम है, तो इसलिए सेवा करने के तौर पे ये दिया गया है। दीपिका पादुकोण दोस्तों ने ज्वाइन किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लिस्ट ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स। ओके, जो वर्ल्ड के जो यंग ग्लोबल लीडर्स है ना उनके लिस्ट के अंदर दीपिका पादुकोण ने ज्वाइन किया। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया मैत्री सेतु, किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, मैत्री सेतु इंडिया और बांग्लादेश। नेक्स्ट बात करते हैं स्विट्जरलैंड को लेकर। स्विट्जरलैंड ने दोस्तों बैन कर दिया फुल मास्क फुल फेस कवरिंग, यानी कुल मिला के बुरखा की बात करें तो वो यहां पे इनके द्वारा बैन कर दिया गया पब्लिक प्लेसेस में। तीरथ सिंह रावत जी को नए चीफ मिनिस्टर बनाया गया उत्तराखंड के, पहले वाले जो थे उन्होंने कुंभ के लिए मना कर दिया था, तो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने उनको किया चलो हटो कुंभ कराना जरूरी है, तो फिर जब भी नए जो मुख्यमंत्री बने उन्होंने करवाया कुंभ, बढ़िया। कोरोना के केसेस आए थोड़े बहुत, क्या फर्क पड़ता है 2-4 हजार केसेस से, ठीक है, कितनी 10-15-20 लाख लोगों की तो गैदरिंग हुई है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, चलता है इतना तो, ठीक है। आगे बात करते हैं, हेरिटेज फाउंडेशन एक यूएस कंजर्वेटिव थिंक टैंक है, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, और उसके अंदर भारत की रैंकिंग जो है वो कितनी है, 40 कंट्रीज में 26 है, जो कि एशिया पैसिफिक में बताई है, एशिया पैसिफिक में 40 में से 26वीं रैंकिंग है। ओके गाइज, समझ गए मेरी बात, सिंगापुर ने पूरी दुनिया के अंदर सेकंड ईयर है जो कि इसको टॉप किया है, ठीक है, एशिया पैसिफिक की आपको ध्यान रखनी है, जो कि 26वीं रैंकिंग है हमारी आउट ऑफ 40। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन स्पिनर रविचंद्रन, आपको मालूम है अश्विन जी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, फिर ऋषभ पंत को भी मिला है, और एक और भारतीय, तीन भारतीयों को 3 मंथ के अंदर जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है उससे नवाजा गया है, ठीक है, तो एक तो भुवनेश्वर कुमार है, एक ऋषभ पंत है और एक अश्विन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुनेरू हम्पी जिनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम्पी जो है दोस्तों ये चेस की बहुत बड़ी प्लेयर है, इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, 2 साल तक टेस्ट चैंपियनशिप हुई है, अब जाके उसका फाइनल टूर्नामेंट होगा जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड खेलने वाले हैं, और कहां पे खेलेंगे, पहले मक्का मदीना क्रिकेट के माने जाने वाले लॉर्ड्स के ऊपर होना था, लेकिन लॉर्ड्स की इतनी 5-स्टार फैसिलिटी नहीं है, साउथहैम्पटन करके जगह है, स्टेडियम है वहां पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, तो साउथहैम्पटन के अंदर दोस्तों इस फाइनल को करवाया जाएगा, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड June 18-22। होपफुली कोरोना कम हो जाए तो मैच में काफी मजा आएगा, ऑडियंस भी आएगी, और वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप में पहली चैंपियनशिप है ये। चलिए आगे बात करते हैं, पीवी सिंधु ने दोस्तों BWF स्विस ओपन सुपर 300 है जो कि जीत लिया। दिल्ली सरकार ने दोस्तों 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट है जो कि पेश किया है, 70,000 करोड़ रुपए के आसपास का देशभक्ति, ठीक है, दिल्ली की सरकार को भी समझ आ गया कि जनता के अंदर जो है वो जो बातें करने वाले लोग है ना देशभक्ति की,
ओके ऐसे लोग ऐसे बातें करने से बहुत वोट मिलते हैं, तो उन्होंने भी दे मारा चौका इसके ऊपर। चलिए, जबकि रियल देशभक्ति ये नहीं होती है, बातें करना, कुछ एक्ट करना, कॉन्ट्रीब्यूट करना, उसको देशभक्ति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश में सिगौरगढ़ जिले के संरक्षण कार्यों का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे ठीक है गाइस, मध्य प्रदेश के सिगौरगढ़ है, वहां पे संरक्षण कंजर्वेशन के बहुत सारे काम है, उसका उद्घाटन किया। गूगल ने महिला विल, एक वेब प्लेटफॉर्म है, उसको लॉन्च किया है महिला विल नाम से। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पे अक्षय का दिल्ली क्रिकेट सेलेक्शन, दिल्ली की टीम में क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया है, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन है दोस्तों, जो कि करवाया जा रहा है। साथ में यूएनईपी और डब्ल्यूआरएपी ने फूड वेस्ट इंडेक्स है जो कि जारी किया है कि दुनिया में कौन कितना फूड है जो कि वेस्ट करता है। देखो हमारी, आपको मालूम है, हालत भुखमरी में बहुत ही बुरी, ज्यादा दुनिया के 109 कंट्री में 94 नंबर पे हम लोग भुखमरी के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि हमारे यहाँ पे तो लोग फूड वेस्ट करना ही नहीं चाहिए लोगों को। लेकिन दोस्तों आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हम लोग अमेरिकन से भी ज्यादा फूड है जो कि वेस्ट करते हैं। सोचिए अगर ये फूड जो वेस्ट होता है अगर ये सही जगह पे पहुंच जाए तो कितने लोग जो है वो रात को खाना खा के सो पाएंगे, जो कि हमारे देश के नहीं सो पाते हैं। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन 25 से 30 करोड़ लोग भारतीय दो वक्त का खाना भी जो है उनको नसीब नहीं हो पाता है। तो कभी भी जो है फूड को वेस्ट ना करें। आपको कई सारे ऐसे ग्रुप मिलेंगे सिटी के अंदर जो कि आपको अगर एक्स्ट्रा खाना है तो आपको किसी जरूरतमंद को पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आपका कोई ढाबा है, रेस्टोरेंट है, अगर आपके घर में कोई एक्स्ट्रा खाना बन गया है जो कि खराब होने की पॉसिबिलिटी है, शादी ब्याह कोई फंक्शन है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट करिए। रॉबिनहुड करके एक आर्मी है, रॉबिनहुड आर्मी नाम से है ना, हर सिटी के अंदर ग्रुप बने हुए, वो आपको खाने को घर से पिक करेंगे और जरूरतमंद को देंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे डाटा देखिए, ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत में तो 50 केजी प्रति व्यक्ति, हम लोग 50 केजी खाना हर एक आदमी एक साल में खराब करता है। भाई अमेरिकन की बात करें तो 59, ज्यादा दूर नहीं है हम अमेरिकन से, जबकि अमेरिकन देखिए कितने आगे हैं, उसके बाद में भी हमारा नंबर देखिए कितने क्लोज है अमेरिका के। चीन जो है वो 64 किलोग्राम है केजी। ओके, तो हम लोग 50 केजी वेस्ट करना कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। चलिए, बजरंग पूनिया ने गोल्ड मेडल जीता पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज के अंदर। खान अब्दुल गफ्फार खान जी की जो किताब थी दोस्तों, जिनको हम लोग फ्रंटियर गांधी भी बोलते थे है ना, उनकी किताब है माय लाइफ एंड माय स्ट्रगल, इसको इंग्लिश में पब्लिश किया गया है। ओके, और इसको किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया है, अहमद साहिबजादा के द्वारा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन है जो कि किया गया है। समझ गए मेरी बात? तो ऑटोबायोग्राफी है खान अब्दुल गफ्फार खान की। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोदी जी की। मोदी जी ने दोस्तों जन औषधि दिवस है जो कि सेलिब्रेट किया और बोला कि शिलोंग के अंदर हम लोग 7,500 वहां जन औषधि केंद्र है जो कि स्थापित कर रहे हैं, कर दिया मतलब 7,500 वहां कहां पे, शिलोंग के अंदर, ध्यान रखिएगा इतनी बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, ये कहां पे, तेलंगाना के अंदर ओपन है जो कि करी गई है। और हसन जी को अपॉइंट किया गया फर्स्ट वीपीएस सीओओ फेडरल रिजर्व बैंक का, पहले सीओओ और वीपी बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को आता है और इस दिन हम लोग, हमारी थीम क्या थी, वुमेन्स इन लीडरशिप, वुमेन इन लीडरशिप, ये हमारी थीम थी, ध्यान रखिएगा इतना ही ध्यान रख लो, वुमेन इन लीडरशिप, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, लीबिया को यूएन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है जो कि बनाया गया है। साथ में बिहारी पुरस्कार 2020 जो कि किसी बिहारी को नहीं मिलता है, वो राजस्थानी को मिलता है अगर वो राजस्थानी लैंग्वेज में कुछ काम करते हैं तो। ये मोहन कृष्णा बोहरा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है गाइस, हाँ राइट हैंड काम नहीं कर रहा यार, बहुत शोल्डर में बहुत पेन है, पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, तो यूएनजीए ने अडॉप्ट किया है इंडिया लेड सोल्यूशन डिक्लेयरिंग 2023 एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है गाइस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे 2023 को माना है, 2021 को फ्रूट और वेजिटेबल के तौर पे माना है, ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल ईयर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने बिल्ड किया है वर्ल्ड का फर्स्ट प्लेटपस सेंचुरी। प्लेटपस क्या होता है, एक जानवर होता है जो कि डक जैसा होता है, तो उसकी सेंचुरी है जो कि बनाई है अमेरिका ने, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने। मैरीकॉम को अपॉइंट किया गया है AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन कमिटी का चेयरपर्सन। एक कमिटी होती है इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन की,
उसका चैंपियन और वेटरन कमेटी का चेयरमैन है जो कि बनाया गया है। इंडिया और फिलीपींस दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं डिफेंस पे, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के ऊपर। जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है ना हमारी, हमने और रशिया ने मिलकर बनाई थी, उसको फिलीपींस है जो कि खरीद रहा है। बहुत अच्छी बात है, खरीदो भाई। नेक्स्ट है बेंगलुरु, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। भारत में जो सबसे बेस्ट सिटी है ना रहने के लिए वो बेंगलुरु है, पिछले 2 साल से लगातार। तो ये डाटा है जो कि हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर है उनके द्वारा रिलीज किया गया है, समझ गए। और सेकंड नंबर के ऊपर पुणे है, थर्ड के ऊपर अहमदाबाद है 111 सिटीज के अंदर। बेंगलुरु की बात करें तो बेस्ट सिटी बताया गया है क्योंकि बेंगलुरु का वेदर दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है, तावड़ा नहीं पड़ता, गर्मी नहीं पड़ती जैसे कि अपने नॉर्थ इंडिया में इतनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है अभी। पहली बात तो दिन के 3 बजे भी आपको मौसम बढ़िया मिलेगा, दूसरी बात साइकिल लोग चलाते हैं, गार्डन्स बहुत हैं, साथ में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, सारे के सारे यूथ बहुत हैं वहाँ पे जो नौकरी पेशा है, वेला होता है ना, एक तो वेला लोग होते हैं, बैंगलोर में वेला लोग नहीं है बिल्कुल भी, है ना, इसलिए क्राइम भी बहुत कम है, लड़कियां 12 बजे 1 बजे भी बहुत ही सुरक्षित है। ओके, सारे काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, चलिए तो ये हो गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें और यूएस की है दोस्तों, ये नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर दोस्तों रही है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर, है ना। जो हमारा आईआईटी बॉम्बे है वो दोस्तों 172 पोजीशन के ऊपर है, इंडिया का कोई भी कॉलेज टॉप 100 के अंदर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है इंदौर और एनडीएमसी, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो कि निकाली गई अभी म्यूनिसिपैलिटी के तौर पे, है ना, कौन सी म्यूनिसिपैलिटी बेस्ट है। तो इसमें 1 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन और 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन, 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। तो जो अबव वाली है ना उसके अंदर तो इंदौर की म्यूनिसिपैलिटी सबसे बेस्ट रही है, आपको मालूम है बहुत ही क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की। वैसे ही जो न्यू दिल्ली की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये दिल्ली की है दूसरी वाली, ओके, वो छोटे शहरों में 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन के अंदर बेस्ट रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसएक्स को लेकर, स्पेसएक्स ने सक्सेसफुली स्टारशिप SN10 का प्रोटोटाइप है जो कि रॉकेट बनाया, बहुत ही खतरनाक रॉकेट था ये, 10,000 किलोमीटर रॉकेट चला गया और वापस भी आ गया, लेकिन वापस आने के बाद में थोड़ी देर के अंदर ये ब्लास्ट हो गया, समझ गए। तो ये प्रोटोटाइप है स्टारशिप का, किसके द्वारा, स्पेसएक्स के द्वारा बनाया गया है। द हिंदू आपको मालूम है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त न्यूज़पेपर है, तो उसको 2 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल मिले वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर के द्वारा, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको मिला है, ठीक है गाइस। चलिए पोलार्ड थर्ड मैन दोस्तों इस दुनिया में जिन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के हैं जो कि मारे, एक ऐसे बॉलर के ऊपर मारे जिसने दोस्तों पिछले ओवर में ही हैट्रिक मारी थी। आपने कभी किसी की खुशी और दुख का लेवल सोचा होगा क्या होगा, एक आदमी ने अपने 1 ओवर के अंदर हैट्रिक मारी, कितना खुश हुआ होगा कि इतिहास के पन्नों में उसका नाम रजिस्टर हो गया। अगले ओवर के अंदर पोलार्ड ने उसकी 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे, सोचो कितना दुख हुआ होगा, वापस से उसका नाम जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, एक अच्छी चीज को लेकर एक बुरी चीज को लेकर। इतना खुशी और इतना दुख ही एक ही मैच के अंदर शायद ही पहले दुनिया में कोई हुआ होगा। तो हर्षल गिब्स, युवराज सिंह और केविन पोलार्ड 3 लोग हैं जिन्होंने 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे। जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है मेडल के अंदर खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के अंदर, विंटर गेम्स हुए गुलमर्ग के अंदर हुए, जम्मू कश्मीर नंबर 1 के ऊपर रहा। हाँ ठीक है गाइस, धनंजय करके नाम था मेरे ख्याल से बॉलर का, ठीक है। आगे बात करते हैं जो कि इंडिया टू कमेमोरेट चाबार डे, ईरान के अंदर हमने चाबार पोर्ट बनाया तो 4 मार्च को दोस्तों हम इसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया है। हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट आई जिसमें हमारे भी दोस्तों 8वें नंबर के ऊपर हमारे भी है अंबानी जी, ठीक है, और एलन मस्क है जो कि नंबर 1 के ऊपर है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस जो कि नैनीताल के अंदर है, उन्होंने हमारा खुद का बनाया हुआ बहुत ही लो कॉस्ट स्पेक्ट्रोग्राफ है जो कि इंस्टॉल किया है, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है गाइज, एरिस नैनीताल के अंदर है ये बात ध्यान रखिएगा, ओके, इसके द्वारा इंस्टॉल किया गया है नैनीताल के अंदर। विराट कोहली फर्स्ट क्रिकेटर जिसने 100 मिलियन फॉलोअर हुए इंस्टाग्राम के ऊपर, 100 मिलियन फॉलोअर, सोचिए बड़ी बात यार। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 265 मिलियन फॉलोअर, ओके, और उसके बाद में मैसी है, नेमार है, ये सारे लोग हैं जिनके 150 से 200 मिलियन फॉलोअर है इंस्टाग्राम के ऊपर। चलिए लोकसभा और राज्यसभा टीवी मर्ज होकर संसद टीवी बन चुके हैं, और रवि कपूर है
जो कि इसके हेड बने हैं, ठीक है, सीईओ जिनको बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। इसके सीईओ और एमडी यहां पे वेंकटिया राव जी को बनाया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने डेजर्ट फ्लैग नाम की एक एक्सरसाइज है जो कि यूएई के अंदर करवाई गई थी, उसके अंदर पार्टिसिपेट है जो कि किया। मुंबई सिटी ने आपको मालूम है आईएसएल का लीग फुटबॉल विनर का टूर्नामेंट है जो कि जीत लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कितनी तारीख को मनाते हैं भाई, 3 तारीख को यह दुनिया भर में मनाया जाता है। थीम रखी गई है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड। फॉरेस्ट दोस्तों हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जीवन व्यापन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइवलीहुड के लिए, है ना। शिव सक्सेना करके है कोई बच्चा, वो बोल रहा है कि सर जेठालाल ने 1 ओवर में 50 रन बनाए थे। तभी तो वो जेठालाल है, 50 का वो 100 भी बना सकता है। अभी भी देखते हो क्या ये सब चीजें? आप लोग मत देखा करो भाई, टीवी भी मत देखा करो, ठीक है। आगे पहले भी मैंने आपको बोला था कि टीवी जो है वो नहीं होना चाहिए आपके घर के अंदर, आपके रूम के अंदर। घर के अंदर है तो आपके लिए तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, किताबों की कमी है क्या जो आप टीवी के ऊपर जा रहे हो? चलिए आगे बात करते हैं। घाना बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन टू रिसीव कोवैक्स वैक्सीन। तो कोवैक्स क्या थी? वैक्सीन थी जो कि गैवी के द्वारा बनाई गई थी। गैवी का एक पैक्ट था कि दुनिया में जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी क्या वैक्सीन दी जाएगी, तो कोवैक्स वैक्सीन जो है वो उसी की है। तो घाना को सबसे पहले रिसीव हुआ। सीबीडीटी के जो चेयरमैन है वो मोदी जी को बनाया गया, मोदी जी है मतलब, ठीक है। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग। विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता यूक्रेन की रेसलिंग इवेंट के अंदर। नेक्स्ट है विनेश फोगाट ने यूक्रेन की रेसलिंग में तो जीत लिया, लेकिन साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इसकी थीम रखी गई है एंड इनइक्वालिटीज। किस तारीख को मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे ख्याल से 1 तारीख को मनाया जाता है, 1 मार्च को होगा शायद, मेरे ख्याल से जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, एक बार चेक कर लेना, आई एम नॉट कंफर्म। तो एंड इनइक्वालिटीज नाम से इसकी थीम है। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऋषिकेश में स्टार्ट किया गया और महाराजा, चूंकि महाराजा का नाम है, छत्रासल कन्वेंशन सेंटर है जो कि खजुराहो के अंदर इसको इनॉग्रेट है जो कि किया गया। साथ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कार्बन कार्ड, UNI कार्बन कार्ड, UNI से आप पता लगा सकते हो, ठीक है, नाम थोड़ा सिमिलर है, UBI UNI, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। साथ में वृज प्रहार नाम की जो एक्सरसाइज होती है वो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, आपको मालूम है, युद्ध अभ्यास हो गया, वृज प्रहार हो गया, है ना, क्वाड कंट्रीज ने करवाया, मालाबार हो गया, ये सब इंडिया यूएसए होती है, तो ये कहां पे हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड, आप सभी को मालूम है काफी बड़े अवार्ड्स हैं। 2 क्राइटेरिया के अंदर इसमें मूवीज को अवार्ड मिलते हैं, तो ड्रामा में और एक म्यूजिकल या फिर कॉमेडी में। तो जो मेजर मेजर मूवीज है वही आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बेस्ट फिल्म का है नोमैडलैंड को अवार्ड मिला ड्रामा में, म्यूजिकल और कॉमेडी में यहाँ पे दोस्तों बोरेट नाम की एक मूवी है उसको मिला है, तो बस ये 2 नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर भी नोमैडलैंड के ही है, एक्टर एक्ट्रेस ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज जरूरी है, मिनारी नाम की मूवी है उसको मिला है, तो आप तो फिल्म वाला कर लो, डायरेक्टर कर लो और एक आपकी लैंग्वेज कर लो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला थप्पड़ को, ठीक है, बहुत ही अच्छी मूवी थी। बेस्ट फिल्म क्रिटिक का बात करें तो यहाँ पे प्रतीक वैट्स करके है, करके मतलब पता नहीं कौन सी मूवी थी कह रही है, तो उसको क्रिटिक की बेस्ट फिल्म मिला है। बेस्ट डायरेक्टर तानाजी के, बेस्ट लीड रोल इरफान खान, एक्टर क्रिटिक में अमिताभ बच्चन, बाकी सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब पेपर में नहीं पूछेंगे आपसे सारे के सारे अवार्ड, ठीक है। आपको ध्यान रखनी है बेस्ट फिल्म और आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि इरफान खान को मिला है, ठीक है गाइज। बेस्ट एक्टर इन लीड रोल भी इरफान खान को पूछा जा सकता है क्योंकि इरफान खान अभी हमारे बीच में नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मैगी ऑफ फेरल को लेकर। एक होता है नेशनल बुक क्रिटिक अवार्ड, ठीक है, नेशनल बुक क्रिटिक सर्किल अवार्ड होता है, तो फिक्शन के लिए जो काल्पनिक के लिए जो इस किताब का अवार्ड मिला है ना वो मैगी को मिला है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है शरण कुमार को लेकर सरस्वती अवार्ड 2020, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सरस्वती सम्मान 2020 किसको मिला है यहाँ पे,
शरण कुमार को मिला है, ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछेंगे, इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली के अंदर दोस्तों IESF शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, अभी वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें इंडिया टॉप के ऊपर रहा, 15 मेडल है जो कि भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है गाइज, और तो खैर कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ओके, ठीक है, अभी और भी है यार आगे, एक बार चेक करने दो। ठीक है, हाँ ये वाला खैर मैंने आपको पहले करवा दिया था वैसे तो खैर, लेकिन मैं वापस से रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि मैं मार्च का कंप्लीट आपको करवा रहा हूँ, 20 से लेकर 30 का जो करंट अफेयर है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा दिया था, लेकिन फिर से करवा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा मार्च का आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यूपी ने दोस्तों एक बनाना फेस्टिवल है जो कि अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया था, कहाँ पे, कुशीनगर के अंदर, ठीक है। कहाँ पे, कुशीनगर के अंदर, ठीक है गाइस, बनाना फेस्टिवल। साथ में न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने दोस्तों एक बिल पास किया है कि अगर किसी भी महिला के कोई मिसकैरेज हो जाए, कोई स्टिल बर्थ की कोई प्रॉब्लम हो, समझ गए, तो वहां पे उन महिलाओं को क्या मिलेगा, पेड लीव है जो कि मिलेगी अपनी कंपनी से, अपने ऑफिस से, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। ऐसा बिल पास करने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का दूसरा देश है, पहला हमारा भारत है, ठीक है गाइस। तो ये फर्स्ट हो गया इंडिया और सेकेंड हो गया न्यूजीलैंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं HDFC बैंक को लेकर, इंडिया का बेस्ट SME बैंक है दोस्तों, जो कि एशियन मनी के द्वारा बताया गया, किसको, HDFC बैंक को, वर्ल्ड का बेस्ट, वर्ल्ड जो बैंक ने एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो कि 2001 रिलीज करी है, ठीक है गाइस। आपसे पेपर में पूछेंगे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, तो वर्ल्ड बैंक आपको यहां पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है जो कि है विंड इंडस्ट्री को लेकर। देखिए 2020 पूरी दुनिया के लिए सबसे खराब साल रहा है, आप सभी को मालूम है ना, हमने हमारे बहुत अच्छे एक्टर्स खो दिए, बहुत सारे लोग खो दिए दुनिया के अंदर, ओके, बहुत सारे हमारे देश के सिटीजन चले गए, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, हमारे हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से कलेप्स हो गया, एक साल का टाइम मिला था उसको सुधारने का, लेकिन नहीं सुधारा, वापस से कलेप्स हो गया। लेकिन विंड इंडस्ट्री के अंदर दुनिया का बेस्ट साल जो है वो 2020 है जो कि रहा है, समझ गए, तो ग्लोबल विंड इंडस्ट्री के अंदर 2020 बेस्ट ईयर है जो कि अब तक का रहा है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अंदर बताया गया है। हमने 93 गीगावाट है जो कि विंड एनर्जी इंस्टॉल पूरी दुनिया में करी है। नेक्स्ट बात करते हैं सोमा मंडल को लेकर। सोमा मंडल कौन है, सेल की चेयरपर्सन है और साथ में स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की भी चेयरपर्सन है जो कि ये बन गई है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राजाजी टाइगर रिजर्व के एक रेंज ऑफिसर है महिंदर गिरी, उनको दोस्तों इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित है जो कि किया गया है, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड कहां के मिले, राजाजी नेशनल पार्क है अपने उत्तराखंड के अंदर, उसके महेंद्र गिरी जी को मिला है। बैटल ऑफ बसंतर के जो हीरो रहे 1971 के पिंटो, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल पिंटो, उनकी मृत्यु हो गई रिसेंटली, ओके। एक शिप है दोस्तों एवर गिवन, जापान का है, उसने स्विस कैनाल को पूरी तरीके से रोक दिया, ना तो कोई इधर से आ पा रहा ना कोई इधर से जा पा रहा, दोनों की बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हो गई, ठीक है, कई दिन की मशक्कत के बाद में उसको सीधा किया गया। और अभी इजिप्ट बोल रहा है कि हमारा बहुत लॉस हुआ है तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे गिवर को, हमें पैसा चाहिए, कितना, $700 मिलियन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि बांग्लादेश ने अपना 50वां इंडिपेंडेंस डे है जो कि सेलिब्रेट किया, और जो बर्थ एनिवर्सरी जो है ना, फादर ऑफ बांग्लादेश मुजफ्फर रहमान, उनकी भी यहाँ पे नेशनल डे है जो कि 26 मार्च को मनाया जाता है, तो वो भी दोस्तों इन लोगों ने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट बात करते हैं, अनीश शाह, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर CEO है दोस्तों जो कि बने, अनीश शाह, अमित शाह नहीं है, अनीश शाह है, ध्यान रखिएगा, अमित शाह को तो जरूरत ही नहीं है बनने की, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं मदागास्कर को लेकर। इंडिया ने दोस्तों एक ज्वाइंट पेट्रोल एक्सरसाइज है जो कि मदागास्कर के अंदर करी है। मदागास्कर कहां पर है, इंडियन ओशन के अंदर है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है लेकिन इंडियन ओशन के अंदर है मदागास्कर, ओके। मारियो दोस्तों को यहां पे फोलियो प्राइस 2021 का मिला है, लिटरेचर के लिए मिलता है ये अवार्ड। गर्ल गैंग का ऑफिशियल सॉन्ग माना गया है ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का, गर्ल गैंग, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं रानी को लेकर, चिंकी और मनु भाकर, तीनों ने दोस्तों IESF शूटिंग वर्ल्ड कप है जो कि यहां पे गोल्ड मेडल जीता इसके अंदर, ठीक है गाइज। राही है, चिंकी है और मनु है,
मुझे ये बताइए कि ये आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का कहां पर होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। ये न्यूजीलैंड के अंदर होगा, ठीक है ना। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है। सबसे पहले 1961 में इसकी शुरुआत है, जो कि फ्रांस में हुई थी। हमारे यहाँ पे तो बेचारे थिएटर जो है उनकी हालत बहुत ही खराब है। हमारे जो अच्छे एक्टर है ना, वो आपको थिएटर्स के अंदर मिलेंगे, और जो ठीक है, जो ज्यादातर जो जिनको एक्टिंग का आता पता नहीं है, वो ज्यादातर आपको मूवीज में मिलेंगे। ओके, थिएटर वालों को बेचारों को पैसे के वांदे बड़े हैं, बहुत ज्यादा बेचारे हैं, बहुत ही गरीबी में रहते हैं। चलिए, लेकिन वही वाली बात है, जब आपका पैशन होता है ना कोई चीज, तो फिर आप ये पैसे वैसे ज्यादा मैटर नहीं करते। पैसे क्या होता है, आपका काम का बाय प्रोडक्ट होता है। जब आप कई सालों तक अच्छा काम करते हो तो पैसा तो आज नहीं तो कहीं आ ही जाता है। ये पीयूष मिश्रा, नसुद्दीन शाह, आपने अनुपम खेर, जितने भी ये लोग रहे ना, क्या नाम है, ओम पुरी, ओके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, ये सारे के सारे आपके जो है थिएटर के लोग थे ये। ओके, अनु मलिक है, अनु मलिक क्या, सॉरी, अनूप नाम है शायद, आई गेस अनु कपूर, सॉरी, ठीक है, अनु मलिक कहाँ से आ गए, ऊँची है बिल्डिंग, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहे अपन, अनु कपूर की बात कर रहे, सारे बॉलीवुड के काफ़ी अच्छे थिएटर के आर्टिस्ट हैं। चलिए आगे बात करते हैं अर्थ डे को लेकर, अर्थ आर को लेकर। आपको मालूम है हम साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हम लोग पूरी लाइट पूरी दुनिया में बंद करते हैं, उसको अपन लोग अर्थ आर कहते हैं। ये क्या होता है, जो लास्ट सैटरडे होता है ना मार्च का, तब मनाया जाता है। इस बार ये 27 मार्च को आया। थीम रखी गई है क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन हरदीप सिंह पुरी जी ने कुंडाल के अंदर एक एयरपोर्ट है जो कि इनॉग्रेट किया आंध्र प्रदेश के अंदर। कुंडाल का दोस्तों छठा एयरपोर्ट है आंध्र प्रदेश का, ठीक है गाइस। वाइजैक को मोबाइल वाटर मिला, एक कियोस्क है जो कि मिली है, वाटर कियोस्क है, ठीक है, वाइजैक के अंदर। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है विजय राघवन जी, उनको एक साल का एक्सटेंशन है जो कि दिया गया है। संजीव कपूर जी चेयरमैन बने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। आतिश चंद्रा जी सीएमडी बने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। सौरभ गर्ग जी को सीईओ बनाया गया है, किसके, UIDAI के, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आपका आधार है ना, मेरा आधार मेरा अधिकार, जो कि मिलता नहीं है किसी को, ठीक है, उसके सौरभ गर्ग जी को सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। योगा सेन को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंक्लूड है जो कि किया गया है। खेलो इंडिया स्कीम जो है उसको 26 तक एक्सटेंड है जो कि कर दी गई है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं IIT खड़गपुर को लेकर। अभी कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज है जो कि स्टार्ट हुआ था, कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज साइंस को लेकर था या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर था, तो IIT खड़गपुर दोस्तों इसमें चैंपियन है जो कि बना है। CJI जो बोबडे जी ने अपने नए चीफ जस्टिस इंडिया के रमन जी को जो है वो रिकमेंड किया, जो कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है सुप्रीम कोर्ट के जज। श्रीलंका की बात करें, 3 साल का उन्होंने $1.5 बिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है जो कि चाइना के साथ में किया। वर्ल्ड का फर्स्ट शिप टनल जो है वो नॉर्वे में बनाया जा रहा है। वर्ल्ड टीबी डे, केरला ने टीबी रेडिकेशन प्रोग्राम के अंदर दोस्तों नेशनल अवार्ड है जो कि जीता है। टीबी डे कब होता है जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके। इंडियन अमेरिकन डॉक्टर विवेक मूर्ति जी को US सर्जन जनरल के तौर पर अपॉइंटमेंट किया गया है। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आपकी बौद्धिक संपदा की बात करें, दिमाग से आप कितना अच्छा बनाते हो, कितना अच्छा रजिस्टर करते हो, उसके अंदर दुनिया की 50 कंट्री में हमारी रैंक है 43, ठीक है, 40 रैंक है 53 कंट्रीज में से, बहुत ही खराब। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी के द्वारा दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आपके एक पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, इन सब को लेकर बताया जाता है। अगर आप कोई भी अच्छा गाना लिखते हो ना तो पेटेंट कराओ, मूवीज लिखते हो, कोई स्टोरी लिखते हो तो उसको पेटेंट करा लिया करो, बिल्कुल सही है। 24 मार्च बच्चों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के पहला ESAF जिसको दोस्तों ठीक है ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेशन है, अवार्ड जो कि मिला है। साथ में वेल नोन राइटर प्रोफेसर शरद पगारे जी को दोस्तों प्रेस्टिजियस व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, व्यास सम्मान 2020 का। ओके गाइस, पाटलिपुत्रा की सामग्री करके एक व्यास सम्मान में इन्होंने नोवेल है जो कि लिखा है, तो इसलिए इनको शरद जी को आपको ध्यान रखना है, व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, वर्ल्ड IIIF वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया के जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस ये किताब लिखी गई समीर सोनी के द्वारा, एक टीवी एक्टर है काफी एक्सपीरियंस समीर सोनी। ओके, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ तो गांधी जी वाली थी, इन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस लिखी है। नेक्स्ट बात करते हैं, रशिया ने 38 सैटेलाइट है जो कि लॉन्च करी है 18 कंट्रीज की,
ओके स्पेस के अंदर चैलेंज वन नाम की भी सैटेलाइट लॉन्च करी, जो कि पहली सैटेलाइट है टूनेशिया नाम का एक छोटा सा कंट्री है उसकी, समझ गए। आंध्र प्रदेश भारत का फर्स्ट गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क है जो कि बना रहा है, लॉन्च किया है उसने। एमपी और यूपी दोस्तों कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। इंटरलिंकिंग जो रिवर्स की वो बहुत जरूरी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था और बहुत बातें हुई इसके ऊपर लेकिन काम नहीं हो पाया। चलिए एंटी पाबी एंटी टेरर 2021 इंडिया पाकिस्तान और चाइना ने तीनों ने दोस्तों इस टेरर एक्सरसाइज को ज्वाइन किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसरो ने डेमोस्ट्रेट किया है पहला क्वांटम कम्युनिकेशन, 300 मीटर तक दोस्तों आप आपस में क्वांटम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसको लेकर लॉन्च है जो कि डेमोस्ट्रेशन इसरो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है श्रेयस अय्यर ने दोस्तों लैंकशायर नाम की एक टीम है उसके साथ में साइन अप किया है, ओके मतलब बाहर की जैसे आईपीएल है ना अपने यहाँ पे वैसे ही इंग्लैंड के अंदर भी बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं ऐसे, तो उनकी तरफ से कई सारे प्लेयर्स खेलते हैं। नेक्स्ट है इंडिया के जो सिंगराज है उन्होंने गोल्ड जीता पैराशूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर 2021 वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च आपको जैसे बताया मैंने, थीम है द क्लॉक इज टिकिंग, ध्यान रखिएगा। पावर ग्रिड ने लॉन्च किया है ई पोर्टल प्रणीत नाम से, और रमेश जी ने दोस्तों लॉन्च किया शहीद भगत सिंह स्मारक कहां पे दिल्ली में। मोदी जी ने जल शक्ति अभियान लॉन्च किया कैच द रेन कैंपेन, बारिश को पकड़ो खड्डा बनाओ उसको स्टोर करो, बहुत अच्छी बात है करना चाहिए, वर्ल्ड वाटर डे के ऊपर ये किया गया है, ओके। अरिंदम बागची को एमईए का स्पोक पर्सन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्पोक पर्सन बनाया गया। इंडियन आर्म फोर्स जो है दुनिया में चौथी सबसे स्ट्रांगेस्ट है, ओके। साथ में फीचर फिल्म अवार्ड आपको मालूम है अभी रिसेंटली नेशनल अवार्ड की घोषणा करी गई, उसमें बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो माराकर को मिला, बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी और धनुष को, बेस्ट एक्टर कंगना रनौत ठीक है बिन बात ही ठीक है, और बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म की बात करें तो कस्तूरी, एनवायरमेंट के ऊपर है वाटर ब्यूरल, सोशल इश्यू के ऊपर आनंदी, और नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर ताजमहल। तो ये सारे अवार्ड आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट की बात करें तो सिक्किम है। इसी प्रकार से गांधी पीस प्राइज की भी घोषणा करी गई 2019 और 2020, 19 का जो मिला वो ओमान के जो ठीक है वहां के जो सुल्तान एक तरीके से सुल्तान कोबस बिन सईद उनको मिला, और 2020 का बंगा बंधु शेख मुजफ्फर रहमान को मिला, दोनों इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। इंडिया ने दोस्तों अन अकेडमी लेजेंड रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 जीत ली, और ओजोमी जो है वुमेन सिंगल टाइटल है AII इंग्लैंड ओपन का वो उन्होंने यहाँ पे सिंगल का टूर्नामेंट जीत लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों ग्राम उज्जवल स्कीम है जो कि लॉन्च करी है LED बल्ब दोस्तों गांव में प्रमोट करने को लेकर, ठीक है गाइस ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के फार्मर ने स्टार्ट किया फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट, झारखंड ने समर नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है माल न्यूट्रिशन को मैनेज करने को लेकर, बिहार पहला ऐसा राज्य बना देश का जिसने इथेनॉल पॉलिसी है दोस्तों जो कि बनाई है, आपको मालूम है पेट्रोलियम और चीजों के लिए इथेनॉल होना बहुत जरूरी है, ठीक है गाइज ठीक है। आर्यन यहां पे पूछ रहे हैं एक्टिंग समझ में आता है, कंगना के ऊपर लाफ कर रहे हैं आर्यन, बिल्कुल एक्टिंग समझ में आता है, डेफिनेटली आता है, और यह भी समझ में आता है कि कौन सी मूवी के लिए किसको मिलना चाहिए, ठीक है ओके। पंगा के अंदर जो एक्टिंग थी उससे मच बेटर बहुत सारे मूवीज में महिलाओं की एक्टिंग रही है जो कि वो डिजर्व करती है, ठीक है। नेशनल अवार्ड की बात करें तो नेशनल अवार्ड की जूरी भी देखा करो, जूरी के अंदर कौन है कौन कितना बायस है कौन कितना नहीं है। नेशनल अवार्ड भी अगर आप अभी किसी अगर बॉलीवुड के अच्छे लोगों के रिव्यू सुनोगे तो अब वो भी उनकी भी जो वैल्यू थी वो भी खत्म होती जा रही है। हालांकि आज से 2 साल पहले तक भी अगर मैं बात करूं तो बेस्ट इंडिया के अवार्ड है जो कि नेशनल अवार्ड माने जाते थे, ठीक है, लेकिन अब वो चीजें नहीं रही है। और ये चीज तो कोई समझाने वाली नहीं है, मतलब ये तो पूरे देश को पता है कि कंगना को क्यों मिला है, सिक्योरिटी क्यों मिली है, एक ट्वीट करने के ऊपर सिक्योरिटी मिल जाए देश के टैक्सेस के पैसे से तो इसका क्या ही बोले ठीक है आगे बात करते हैं। भक्ति कायम है अभी भी लोगों की, मतलब भक्ति में कोई कमी नहीं है ठीक है। इंडियन नेवी ने पैसेक्स नाम की एक्सरसाइज है जो कि ब्रिटिश के साथ में करी है, बहरीन के साथ में करी है,
जापान के साथ में करी है, बहुत सारे देशों के साथ में पैसेक्स नाम की एक्सरसाइज जो कि हम लोग करते रहते हैं, रिसेंटली जो करी है वो बहरीन के साथ में करी है। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री ने दोस्तों डील करी है बीडीएल के साथ में, ओके, भारत जो डायनामिक लिमिटेड है उसके साथ में, जिसमें 4,500 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि हम लोग उनसे ले रहे हैं। ठीक है गाइज, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, 149 कंट्रीज में से 139 पोजीशन के ऊपर है। अगर हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो लास्ट ईयर हम लोग 140 के ऊपर थे, अभी हम लोग 130 के ऊपर है। दुनिया में सबसे खुश कंट्री पिछले 4 साल से फिनलैंड है। ओके गाइज, इंडिया जो है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स की बात करें तो 56 रैंक के ऊपर है। ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट है IESF वर्ल्ड कप, यशस्वी ने दोस्तों गोल्ड मेडल है जो कि इंडिया के लिए जीता है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड वाटर डे की बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है, तो हमने बात करी, थीम इंपॉर्टेंट है वैल्यूइंग वाटर, पानी को वैल्यू करना बहुत जरूरी है, ये थीम है जो कि रखी गई है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी उतना ही जरूरी है, जो कि जस्ट एक दिन पहले आता है 21 मार्च को, और फॉरेस्ट रीस्टोरेशन है जो कि थीम रखी गई है। तो वाटर डे तो हो गया 22 को वैल्यूइंग वाटर, और 21 को हो गया आपका फॉरेस्ट डे जिसकी थीम है फॉरेस्ट रीस्टोरेशन, तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे जो कि 21 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है, थीम इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है गाइस, तो मेरे ख्याल से ये हो गया आपका कंप्लीट मार्च का करंट अफेयर, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है गाइस, और इसी तरीके से रेगुलर बने रहिएगा अपनी करंट अफेयर की क्लासेस में, डेली सुबह 8 बजे क्लास होती है, और अगर आपको स्टैटिक जीके करनी है तो आप डेली 10 बजे की क्लास कर सकते हैं। ठीक है, कल सुबह 10 बजे अनअकैडमी के स्पेशल सेशन पे आपको स्टैटिक जीके की क्लास जो कि मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अनअकैडमी का SSC का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 महीने का लेंगे, 1 साल का लेंगे तो 2 महीने का आपको फ्री मिल जाएगा। BHU10 है जो कि आप रेफरल कोड लगा सकते हैं, इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर के क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कैसे लेना है आपको मालूम है, ऐप डाउनलोड करो, मोबाइल नंबर डालो, अपना गोल सेलेक्ट करो, SSC या फिर प्लस जो भी गोल है आपका किसी भी एग्जाम का, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, फिर यहाँ पे 12 महीने या 24 महीने का सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे रेफरल कोड होगा, रेफरल कोड लगा दीजिएगा BHU10 या BHU10 और अप्लाई कर दीजिए, EMI के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये था आज का आपका सेशन, कल सुबह 8 बजे क्लास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, जब एक मंथ एंड होता है तो उस मंथ के दोस्तों इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर करंट अफेयर है, वीडियोज है, जो क्वेश्चन है, वो मैं आपको अवेलेबल करवाता हूँ। आई एम सॉरी कि इस मंथ में काफी लेट हो गया यार, बिकॉज ठीक है, पता नहीं चला, मतलब हर सैटरडे संडे को तो क्लास थी तो कंटेंट का भी टाइम नहीं मिल पाया, तो आज अपने 15 तारीखें हो गई है यार, तो 15 दिन लेट हो गए अपन, लेकिन होपफुली दोस्तों कि आज जो है हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर सेशन है जो है इसको कंटिन्यू करेंगे और आपका अच्छा रिविजन हो जाएगा। अगर आप सुबह 5 बजे और 8 बजे वाली रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आपके 70-80% क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप इजिली सही कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 15 से 20 मिनट का वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको सीधे सीधे रिविजन करवाने वाला हूँ, है ना, इसमें मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा। डिटेल के लिए सुबह 8 बजे वाला वीडियो है जिसमें 45 मिनट जो है रेगुलर जो है हर एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, वो वाला आप देख लिया करो। ठीक है, चलिए, तो ये अगर आपको PDF चाहिए इसकी दोस्तों, तो आप टेलीग्राम ग्रुप है मेरा करंट अफेयर्स बाय भुवनेश सर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी क्लासेस की PDF मिल जाएगी, सारी क्लासेस के वीडियो मिल के आसपास बच्चे हो, समझ रहे हो, 55,000 वाला मेरा ग्रुप नहीं है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, UGC का कोई एग्जाम है, CDS का है, कोई RPSC का एग्जाम है, इंडिया में कोई भी एग्जाम है दोस्तों, तो आप रेफरल कोड BHU NESH भुवनेश 10 है जो कि आप लगा सकते हैं, 10% ऑफ मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइज, मेरे कोर्स की बात करें तो SSC और बैंकिंग में मेरा कोर्स चल रहा है, SSC के अंदर CHSR और JEE के लिए GK का कोर्स चल रहा है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको पढ़ा रहा हूँ,
साथ में बायोलॉजी की भी क्लासेस चल रही है, साथ में करंट अफेयर की भी क्लासेस मिल जाएगी। मेरे अलावा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस की भी कंप्लीट क्लासेस आपको मिल जाएगी। उसी बैंक तरीके से बैंकिंग में आरबीआई असिस्टेंट मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस के अंदर जो है मेरा करंट अफेयर का बैच है जो कि आप लोगों के लिए लॉन्च किया हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे अलावा आपको टीम एबीपी जो है पुनीत सर, विशाल सर, पुनीत सर जो बैंक पढ़ाते हैं, सुष्मिता मैम, इनकी भी क्लासेस आपको मिल जाएगी। रेलवे में दोस्तों साहिल सर, दीपक सर, इनकी क्लासेस चल रही है, तो नीरज सर की भी चल रही है, तो वो भी आपको मिल जाएगी बोनस 10 यूज करके। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला सवाल क्या है। संप्रीति के बारे में बात करेंगे। संप्रीति आपको मालूम है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कहां पे करवाई गई है? मेघालय के अंदर। ठीक है, उमरोई के अंदर इसको आयोजित करवाया गया। नेक्स्ट है नागोबा जतरा, ये कहां पे कराया गया दोस्तों? नागोबा जतरा इसको तेलंगाना के अंदर दोस्तों आयोजित है जो कि करवाया गया। कौन से राज्य ने टॉप किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग के अंदर? आकांक्षात्मक जिलों की जो रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा लॉन्च करी गई उसमें नंबर वन दोस्तों जो रहा है वो यूपी का राज्य है चंदौली, ये दोस्तों रहा है। कौन अपॉइंट करता है दोस्तों मेंबर किसके? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के। ठीक है, किसको अपॉइंट किया गया है? किसे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति का सदस्य है जो कि नियुक्त किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? ईडी जनक राज जी को अपॉइंट किया गया है। काम क्या होता है समिति का? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जो है जारी करना इसका काम है जो कि होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसरो ने घोषणा की कि वह कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों को तैयार कर रहा है जो डैश तक वजन कम करने वाले उपग्रहों को कक्षा में पहुंचा सकते हैं। जल्दी से बताइए। ठीक है, कितने के वेट तक की बात कर रहे थे? 500 केजी तक की हम लोग बात कर रहे हैं, 500 केजी। ठीक है, सीबीआईसी के अध्यक्ष दोस्तों किसे बनाया गया है? सीबीआईसी के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना एंड कस्टम, सीबीआईसी, उसके चेयरपर्सन बनाया गया है दोस्तों अजीत कुमार जी को। अजीत कुमार आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, किसे गोवा 2020 राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकर है के रूप में नामित किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? रूबी गुला आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वुमेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर किसने जीता है? तो सोफिया ने दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो कि जीता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पहला टूर्नामेंट होता है जो कि ईयर के अंदर होता है। और यहां पे पुरुषों का जो था उसके अंदर तो किसने जीता है? नोवाक ने जीता जो मेल के कैटेगरी के अंदर, और फीमेल के अंदर किसने? सोफिया ने जीता है। ठीक है गाइज, नेशनल इमरजेंसी दोस्तों लोकास्ट से बैटल करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा दोस्तों घोषित करी गई थी। ठीक है, चीन के बाहर कोरोना वायरस के कारण पहली मृत्यु दोस्तों कहां पर हुई है? ठीक है गाइज, जल्दी से बताइए। एक बात, हाँ एक बच्चा और बोल रहा है कि सर एक देश में और हुई थी, तो पाकिस्तान के अलावा सोमालिया में भी हुई थी घोषित यार। ठीक है, पाकिस्तान सोमालिया दोनों देशों में घोषित करी गई थी। तो चाइना के बाहर जो कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 की वजह से जो डेथ हुई है वो फिलीपींस के अंदर हुई थी, हमारे देश में भी हो चुकी है दो तीन। तो साथ में मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान जो है वो कौन से राज्य ने दोस्तों, कौन से राज्य को मिला है? तो ये मिला है दोस्तों मध्य प्रदेश को। ठीक है गाइस, प्रधानमंत्री के जो है दोस्तों पीएम मातृत्व वंदना योजना जो है उसके तहत मध्य प्रदेश को दोस्तों क्या मिला है? पहला स्थान मिला है इंप्लीमेंटेशन करने को लेकर। ठीक है गाइज, और इसके अंदर क्या किया गया था? बेनिफिशियरीज को अभी तक 4,000 करोड़ रुपए जो कि दिए गए थे देश के पूरे राज्यों के अंदर, एक्चुअली 2017 से इस योजना की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा थी दोस्तों? WCD जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, उसके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। टारगेट क्या था कि जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है ना किसी भी महिला की, ओके, उसको जो है वो पूरा किया जा सके, समझ रहे हो? जो भी बीपीएल के अंदर है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ओके, पहला जब उनके बच्चा होता है ना तब उनको जो है 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर 5,000 रुपए जो है देने के लिए बोला गया था, 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेंशन राज्य ने, किस राज्य ने पेंशन वितरण योजना के लिए पेंशन कनुका योजना है जो कि शुरू करी है? पेंशन कनुका योजना, आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
किसे मध्य प्रदेश सरकार के किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है? किशोर कुमार सम्मान की बात करें तो वहीदा रहमान आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्लू इज लाइक ब्लू, ओके, इसके लिए मातृभूमि पुक ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? विनोद शुक्ला जी को अपॉइंट किया गया है, यह मैं आपको बता चुका हूं। जोकोविक किसे स्वीडन किसने स्वीडन में गोल्डन गर्ल चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का पुरस्कार जीता है? तो बेस्ट बॉक्सर जो बनी है वो प्राची धनकर बनी है। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछेंगे प्राची धनकर कौन से खेल से संबंधित है, तो बॉक्सर है ना। IIIFA पुरस्कारों के 21वें संस्करण की मेजबानी दोस्तों कौन करेगा? तो ये इंदौर के अंदर करवाने जाने थे, अभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। ठीक है, न्यू प्राइम मिनिस्टर अल्बिन कुर्ती है जो कि बने हैं। अल्बिन कुर्ती किसके बने हैं? कोसोवा नाम का देश है दोस्तों, उसके क्या बने हैं? ये प्राइम मिनिस्टर है जो कि रिसेंटली बने हैं। ठीक है गाइज, सर्बिया और कोसोवो के बीच में जो है काफी डिफरेंस, काफी डिस्प्यूट है जो कि एक्चुअली में चलता रहता है। कि इसकी कैपिटल की बात करें तो प्रिस्टीना करके है दोस्तों, जो कि यहाँ पे कैपिटल चाहे इसकी प्रिस्टीना नाम है। ठीक है, और करेंसी की बात करें तो वही यूरो है जो कि इसकी करेंसी है यहाँ पे। सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? एशिया पैसिफिक वाले जोन के अंदर, तो ये अपने शशिकांत दास जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंट किसको बनाया गया पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया का? तो दीपा मलिक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अंतरिक्ष में एक महिला द्वारा सबसे अधिकतम समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के बाद कौन पृथ्वी पर लौटा है? ठीक है, लॉन्गेस्ट टाइम तक दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा क्रिस्टीना कोच, आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है गाइज, क्रिस्टीना कोच है जो कि इन्होंने महिलाओं का रिकॉर्ड है जो कि बनाया है दोस्तों। अगर ओवरऑल बात करें कि सबसे ज्यादा मोस्ट टाइम जो है बिताया है किसी ने, तो गैनेडी करके है जिन्होंने आज तक टोटल, गैनेडी करके जो एक पर्सन है रशिया के, उन्होंने टोटल कोई नियर बाय 878 डेज है जो कि बनाया है। लेकिन ये कई सारी फ्लाइट के अंदर बताया, मल्टीपल फ्लाइट के अंदर उन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी जनगणना में LGBTQ जनसंख्या की गणना करने की घोषणा करी है? तो नेपाल ने बोला है दोस्तों कि LGBTQ जो है ना पॉपुलेशन, उसका सेंसस है जो कि वो करने वाला है इस बार। ठीक है, सरकार ने विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए दिसंबर 2022 तक देश में डैश सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य है जो कि रखा है। तो टारगेट रखा गया है दोस्तों कि 100 गीगावाट सोलर पावर का जो है 2022 दिसंबर तक इंप्लीमेंटेशन करने को बोला है। किस राज्य ने हाल ही में अपने पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो दिशा की बात करें दोस्तों तो कहां का है? आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नागालैंड के बाद कौन सा राज्य है हॉर्नबिल महोत्सव को इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आयोजित करता है? तो भाई हॉर्नबिल फेस्टिवल वैसे तो देखो नागालैंड का बड़ा फेमस था, लेकिन अभी अरुणाचल त्रिपुरा ये सब लोग भी हॉर्नबिल फेस्टिवल में इंटरेस्टेड हैं और त्रिपुरा ने इसको आयोजन भी करवाया था। तो नागालैंड तो सबको पता है, अगर ऑप्शन में नहीं आया तो क्या करोगे? तो त्रिपुरा आंसर करोगे, समझ गए। ICC Under-19 वर्ल्ड कप टाइटल जो है साउथ अफ्रीका में हुआ, किसने जीता इसको? बांग्लादेश ने जीत लिया। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ इसको जो है, भारत के खिलाफ हुआ था अंडर 19 दोस्तों ये इस साल का जो वर्ल्ड कप है, और ये जो है किसने, बांग्लादेश ने जीत लिया। भारत को हरा के ही जीता था एक्चुअली के अंदर, समझ गए। साउथ अफ्रीका में करवाया गया था, 16 टीमें हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। प्लेयर ऑफ द ईयर और मोस्ट रन, ध्यान रखिएगा ये सवाल भी बनेगा पेपर में, प्लेयर ऑफ द ईयर और सबसे ज्यादा रन, मोस्ट रन जो टूर्नामेंट में बनाए ना किसने, इंडिया के प्लेयर है अपने यशस्वी जायसवाल है जिन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला है और मोस्ट रन बनाने का भी जो है इनको टूर्नामेंट में अवार्ड मिला है। सबसे ज्यादा विकेट भी दोस्तों इंडियन ने लिए, सबसे ज्यादा विकेट की अगर बात करें मोस्ट विकेट्स, तो वो अपने रवि बिश्नोई करके प्लेयर है दोस्तों, उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट है जो कि इस टूर्नामेंट में मिले हैं, समझ गए। सेना के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग द्वारा विकसित सबसे सस्ते गनशॉट लोकेटर डिवाइस को क्या नाम दिया गया है? तो पार्थ है दोस्तों जो कि इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, WHO के नए कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोगों को आधिकारिक क्या नाम दिया गया है? तो COVID-2019 नाम दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किसे 2019 FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो यहां पे लर्ड सैमसी करके दोस्तों प्लेयर है, ओके, लर्ड सैमसीमी करके प्लेयर है, उनको दोस्तों इस अवार्ड से
सम्मानित है, जो कि नामित है, जो कि इस बार किया गया है। ठीक है गाइज, ठीक है। कौन से उससे बिलोंग करती है, कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है गाइज मिजोरम से। ठीक है, मिजोरम से बिलोंग करती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट किसको बनाया गया 2020-21 के लिए? तो अतुल कुमार गुप्ता है दोस्तों, जिनको अपॉइंट किया गया है। IRCTC ने तीसरी कॉर्पोरेट ट्रेन चलाई है, काशी महाकाल एक्सप्रेस। कहां से कहां तक? वाराणसी से दोस्तों इंदौर के बीच में। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में विमानन सुरक्षा नियामक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने उड़ानों और हवाई अड्डों में डैश प्रतिबंध की घोषणा करी। ई सिगरेट दोस्तों पहले विदेश से लोग लेके आते थे, अभी उसको बैन कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? मनप्रीत सिंह को नॉमिनेट किया गया है। ओके, बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री है यूके के, उनके गृह मंत्री दोस्तों उन्होंने किसको बनाया है? तो ये प्रीति पटेल को दोस्तों बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर बनाया है, 1 लाख से भी ज्यादा की कैपेसिटी है। और यहाँ पे ट्रंप साहब ने क्या दिया था, अपनी स्पीच है जो की दी थी। दिल्ली को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत दोस्तों सिक्किम के साथ में जोड़ा गया है। सिक्किम आपका सही आंसर होगा। बीज बुआई का त्योहार लुई नगाइस नी, ओके, ये किसके द्वारा? मणिपुर के द्वारा दोस्तों इसको क्या किया गया है, आयोजित किया गया। अमेजन फिल्मफेयर अवार्ड के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है गली बॉय को। और ये कहां पे आयोजित करवाया गया? इसको गुवाहाटी के अंदर आयोजित दोस्तों करवाया गया। ठीक है, प्रेस्टीजियस डैन डेविड प्रेस से किसको? गीता सेन है दोस्तों, डैन डेविड प्राइज जो कि इनको दोस्तों मिला है। ठीक है, डैन डेविड प्राइज ध्यान रखिएगा किसके लिए मिलता है। ओके, जो भी अचीवमेंट होते हैं किसी के दोस्तों, किताब अगर कोई बहुत अच्छी लिखता है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट होता है, ओके, तो उनको इस अवार्ड को रिसर्च काम के लिए काम करने के लिए, PhD जो स्टूडेंट है ना, ठीक है, वो अगर अपनी कोई बुक लिख रहे हैं या फिर उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, इसराइल की यूनिवर्सिटी है, इसराइल के बिजनेसमैन है डैन डेविड, उनके द्वारा इसकी शुरुआत जो कि करी गई थी। चलिए, कौन सा भारतीय शहर एशिया के सबसे बड़े जैव और प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान मंच बायो एशिया 2020 की मेजबानी कर रहा है? आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। किस राज्य ने पेड़ लगाने की प्रथा को प्रोत्साहित करने के लिए प्यार का पौधा है अभियान शुरू किया है? प्यार का पौधा तो किसके द्वारा? बिहार के द्वारा दोस्तों किया गया है। योद्धार्व मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें किससे? ड्रग्स से निपटने के लिए, तो ये केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में नाडा ने अमित दहिया पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। और ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? ये जैवलिन थ्रो से दोस्तों जुड़े हुए हैं। ठीक है गाइस, नाडा क्या है? हमारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जो कि हमारे देश में क्या करता है, रोकथाम का काम करता है। ठीक है, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। कौन बने हुए अभी हेड भाई, जल्दी बताओ? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और नवीन अग्रवाल है जो कि अभी इसके दोस्तों CEO है। ठीक है, यहां पे कुनेरू हम्पी ने दोस्तों क्रेन्स कप जीत लिया। ये कौन से खेल से संबंधित है? ये चेस की दोस्तों काफी जबरदस्त प्लेयर है जो कि मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट है, यहां पे एक और क्वेश्चन था जो कि था एथनोलॉग डेटाबेस के अनुसार कौन सी अंग्रेजी के बाद दुनिया में दूसरे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो भाई सबसे ज्यादा तो अंग्रेजी बोलते हैं, उसके बाद चाइनीज बोलते हैं, चाइनीज का मतलब होता है मैंडेरिन। ठीक है, उसके बाद में हिंदी आती है। सरकार द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट के द्वारा मंगोला पोर्ट का विस्तार किया जाएगा। मंगोला पोर्ट दोस्तों कहां पर है? मंगोला है दोस्तों बांग्लादेश के अंदर। ओके, वर्ल्ड की पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट के हिसाब से भारत दोस्तों कौन सी लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है जो कि बन गया है? तो भारत दुनिया की 5वीं बन गया है। ठीक है, 5वीं आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रेसिडेंट जो राम मंदिर ट्रस्ट के बने हैं उनका नाम है महंत नित्या गोपाल दास। ओके, साथ में वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? ये फिनलैंड ने दोस्तों प्राप्त किया है फ्यूचर इंडेक्स को लेकर। नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 की बात करें तो CSIR के द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च, इसको टॉप है जो कि किया गया था। नेक्स्ट है, सरकार ने उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उनके नवीन विचारों का परीक्षण करने में मदद करने के लिए मेडटेक कनेक्ट के साथ में साझेदारी करी है। तो ये कौन से राज्य ने करी है? तेलंगाना ने दोस्तों करी है। प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तेज नाम का, प्रोजेक्ट का नाम है तेज।
किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और तस्करी को रोकने के लिए नेहरू बाल संस्कार शाला कोष विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो राजस्थान आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ESPN फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो PV सिंधु को दोस्तों इस अवार्ड से नवाजा गया। चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे स्पोर्ट्स स्टार हो, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड मिले ना, ये सारे PV सिंधु को मिले। सेकेंड भारतीय वुमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर नवजोत कौर के बाद में, तो दिव्या काकरण है जिन्होंने जीता है। ओके, अटल किसान कैंटीन किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? हरियाणा के द्वारा लॉन्च करी गई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ सोसाइटी के द्वारा सोना दोस्तों कहां कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है? तो सोनभद्र में पाया गया है। आपको मालूम है अल्लाह मच गया था कि भाई इतना गोल्ड मिल गया, बाद में पता लगा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मिला है। इतने तो अपने बप्पी लहरी जो है वो पहन के घूम लेते हैं, पूरा देश में माहौल बन गया था। योगी जी जो है वो पूरे मिठाइयां बांट रहे थे। वर्ल्ड का फर्स्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई क्रोना दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्वीडन के द्वारा लॉन्च है जो कि किया गया है। भारत के पहले फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन कहां पे? गोवा में किया गया। कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? तो जो दोस्तों सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है भारत का वो USA के साथ में अभी फिलहाल होता है। प्रेसिडेंट दोस्तों रोविंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के किसको बनाया गया? राजलक्ष्मी देव को बनाया गया। IQAR एयर विजुअल की 2019 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो दोस्तों गाजियाबाद को जो है ये दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने छात्रों को छात्रावास और मेस के खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वासती दिवेना योजना शुरू करी है? वासती दिवेना योजना की बात करें तो आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है? सदगुरु जी है दोस्तों इस बुक के ऑथर। कौन सा राज्य एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक है, वर्स स्टेट DBT के पे आउट के संबंध में केंद्र द्वारा तैयार रेटिंग में कौन सा राज्य सबसे खराब राज्य के रूप में जो है वो उभरा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। साथ में आपको आंसर करना है दोस्तों बेस्ट जो है ना वो स्टेट का अवार्ड किसको मिला है, ये आपको आंसर करना है कमेंट के अंदर। वर्स का तो मिल गया वेस्ट बंगाल को, लेकिन बेस्ट का किसको मिला है ये आपको कमेंट करके बताना है। लोसर फेस्टिवल की बात करें ये हिमाचल का फेस्टिवल है। SBI ने किस संगठन के साथ में हाथ मिलाया ताकि विकलांग लोगों को नौकरी खोजने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। बिम्स्टेक म्यांमार थाईलैंड से भारत तक के लिए डैश बिजली ग्रिड को जोड़ने पर काम कर रहा है। तो भाई 3000 किलोमीटर की जो है ये बिजली को जोड़ने की लेकर बात करी जा रही है। IGI एयरपोर्ट को दोस्तों ड्यूटी फ्री रेवेन्यू पर पैसेंजर है जो कि कर दिया गया है, मतलब हाईएस्ट है। ओके, हाईएस्ट है ड्यूटी फ्री रेवेन्यू के अंदर। ड्यूटी फ्री के अंदर आपको मालूम है अल्कोहल भी मिलती है 2 लीटर पर पर्सन, अभी उसको 1 लीटर पर पर्सन कर दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर सब्सिडी है जो कि आपको मिलती है। तो सबसे ज्यादा लोग कहां से खरीदते हैं? दिल्ली वाले से खरीदते हैं। तो सब नंबर 1 के ऊपर IGI है। ठीक है, तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन। इसके अलावा अगर आपको किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेना है, SSC बैंक रेलवे ओके UGC है, कोई CAT का है, कोई RPSC का है, तो आप दोस्तों रेफरल कोड BHU NESH भुवनेश्वर लगा सकते हैं 10% ऑफ, और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, CHSL और JEE के लिए दोस्तों जबरदस्त कोर्स है जो कि मैंने बना रखा है GK का। कभी अगर आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इको नहीं पढ़ी, मेरे से बायो नहीं पढ़ी है, तो भाई एक बार ज्वाइन कर लेना, मजा आ जाएगा, कभी लाइफ में वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर भी मिल जाएगा, मैथ रीजनिंग इंग्लिश GS सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज के साथ में। ठीक है, JEE और CHSL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बैंक के लिए भी स्टार्ट किया हुआ है करंट अफेयर, ज्वाइन कर लेना। करना कैसे है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट कर लो, चाहे कोई सा भी गोल हो आपके एग्जाम का, रेफरल कोड आपको भुवनेश्वर ने जो कि लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपने SSC सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर आप गए यहाँ पे प्लस पे, फिर गए गेट सब्सक्रिप्शन पे, उसके बाद आपके पास 1 महीने 3 महीने 6 महीने 12 महीने का ऑप्शन आएगा। 12 महीने का ले लीजिएगा, मात्र 500 रुपये पर मंथ पड़ेगा। उसके अंदर आप CGL CHSL MTS GD स्टेनो CPO JEE
सारे एग्जाम की दोस्तों कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज के साथ पर। उसी प्रकार से बैंक में लेते हो तो आप जितने भी एग्जाम आने वाले ना आपके SBI, RBI, ओके, RRB, LIC, सारे एग्जाम का जो है कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। रेफरल कोड में आपको BHU NESH बुनेश 10 डाल के अप्लाई। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।